ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्यज्ञानञ्जन शलाक्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यं गौरविषये नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमो सुते। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशव सच विष्णु भक्ति परदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्रह्म भागवतम को आगे बढ़ाते हुए कल हमने इधर विश्राम दिया था। भगवान नारद से कहते हैं कि नारद को ग्लानि हुई कि मेरे कारण प्रभु को दुख प्राप्त हो रहा है और मैं ही सिद्ध सबका कारण हूँ, लेकिन भगवान उसे आश्वासन देते कहते हैं, नारद माय डियरेस्ट फ्रेंड यू आर ऑलवेज ईगर टू प्लीज मी। नारद मेरे प्रिय मित्र तो हमेशा प्रयास करता है मुझे खुश करने का। एंड यू आर द बेस्ट ऑफ दोज हु रिलिश ट्रांसेंडेंटल इमोशन, और तो उनमें सर्वश्रेष्ठ है जो दिव्य भाव की अनुभूति करता है। यू हैव डन मी अ ग्रेट, तूने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है। इट इज़ ट्रू डैट वैन वन इज पार्टेड फ्रॉम दोज वन लव, ये सत्य है कि जब हमारा वियोग होता है जिसे हम प्रेम करते हैं, प्योर लव मेक्स वन सफर विद इन। जब शुद्ध प्रेम होता है, शुद्ध प्रेम का मतलब स्वार्थ रहित, हमारे जीवन में प्रेम नहीं है, हम जो कुछ करते हैं अपने स्वार्थ को लेकर करते हैं, मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा या मुझे क्या सुख मिलेगा, ये हमारा बीच का उद्देश्य होता है। इसलिए हमारे जीवन में जो है वो है राग और द्वेष, हमारे जीवन में प्रेम नाम की वस्तु नहीं है। प्रेम जो है ये भगवान के धाम से आता है, ये गोलोक धाम की वस्तु है, वह भगवान की कृपा से इसे प्राप्त किया जाता है, ये संसार की वस्तु है ही नहीं। तो कहते हैं इट इज़ ट्रू दैट वन वन इज पार्टेड फ्रॉम दो वन लव, ये सत्य है कि जब हम बिछड़ते हैं जिसे हम प्रेम करते हैं, प्योर लव मेक्स वन सफर विद इन, यानी प्रेम में त्याग होता है, प्रेम में समर्पण होता है, प्रेम में अपना सुख और अपना स्वार्थ नहीं देखा जाता, तब क्या होता है, तो इंसान जब शुद्ध प्रेम होता है वो दुखी होता है जब अपने प्रिय से उसका वियोग होता है। एज ए फ्रॉम अ ब्लेजिंग फॉरेस्ट फायर, जैसे जंगल में आग लगी होती है वैसे ही उसके हृदय में आग लगी होती है। द बर्निंग प्रेम क्रिएट्स अ रिमोर्स दैट फर्दर डीपन इनटू इरिप्रेसिबल सॉरो। तो कहते हैं वो जो पीड़ा होती है, जलन होती है, उससे क्या होता है, दुख और बढ़ता है, इतना बढ़ता है कि उसके हम तुलना कर नहीं सकते। दस वन एट फर्स्ट सिम रचर, इंसान को लगता है कि मैं एकदम बेकार हूँ, गया गुजरा हूँ, किसी काम का नहीं हूँ, एकदम इस प्रकार उसके भाव होते हैं। नारद में एग्री दैट ही नीड नॉट बी एम्बैरेस फॉर अनअवॉइडेबली लूजिंग कंट्रोल अमिस्ट द एक्सेसिव ऑफ भगवत भक्ति। तो कमेंट्री में क्या पढ़ते हैं, नारद मान सकते हैं कि भाई ठीक है कि मुझे बुरा मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवत भक्ति में जो भाव उत्पन्न होते हैं वो इसी प्रकार के होते हैं। येट ही हैड कॉज्ड कृष्णा ग्रेट डिस्ट्रेस बाई सेंडिंग द लॉर्ड इन टू बिवल्डर्ड ट्रांस ऑफ रिमेंबरिंग हिज डिवोटीज। तो उसने बहुत दुख पहुंचाया था कृष्ण को, क्योंकि भगवान को उनके प्रिय ब्रजवासियों की याद कराई और भगवान भाव में डूब गए और उन्हें दुख हुआ उनकी याद आने के कारण। इन दिस वॉज एंड द नेक्स्ट कृष्णा देयरफॉर ट्राइज टू कन्विंस नारद दैट ही नीड नॉट ब्लेम हिमसेल्फ। तो कहते कि आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, द मिजरी ऑफ ट्रांसेंडेंटल सेपरेशन इज ओनली अपेरेंट।
जो दुख हो रहा है वो क्षणिक है, जो दिखता है इवन वेल आउटवर्डली शोइंग मैनी सिम्टम ऑफ मेंटल पेन, बहिरंग दृष्टि से दिख रहा है कि बहुत पीड़ा हो रही है, अंदर से वास्तव में आनंद ही होता है उनको। अ पर्सन फीलिंग विरह भाव इज ऑब्जर्विंग इन अनकम्पेरेबल ब्लिस, जिसके अंदर विरह के भाव होते हैं उसके जीवन में दिव्य आनंद की अनुभूति होती है उसके जीवन में, क्योंकि विरह में उसका चिंतन बहुत तीव्र होता है। जब तीव्र चिंतन होता है तो उसका भगवान की स्फूर्ति होती है, उसकी अनुभूति होती है कि वो मेरे सामने प्रत्यक्ष खड़ा है, इस प्रकार की उसको अनुभूति होनी शुरू हो जाती है। दस द अपेरेंटली रिचेड डिवोटी इज एक्चुअली मोस्ट फॉर्चुनेट, तो कहते हैं जो भक्त है वो बहुत भाग्यशाली होते हैं। वट एवर मेमोरी मोमेंटेड डिस्ट्रेस ही मे फील विल सून गिव वे टू कम्प्लीट हैप्पीनेस, जो कुछ उन्हें दुख महसूस हो रहा है उसी पे उसको सुख की अनुभूति होगी। बट दिस एंग्विश ऑफ सेपरेशन इज प्रेज एज ग्रेटर देन द हैप्पीनेस ऑफ एंजॉयिंग विद दोज वन लव्स, तो कहते हैं विरह के जो भाव होते हैं वो ज़्यादा श्रेष्ठ होते हैं, जो ज़्यादा अच्छे होते हैं, उस सुख के जो सुख मिलता है साथ में रहने से उससे ज़्यादा अधिक सुख मिलता है जब विरह होता है, जब उसको यानी प्रेम में जब वियोग होता है, वियोग में विरह होता है, विरह में चिंतन होता है और चिंतन में उसके दिव्य रस की और आनंद की अनुभूति होती है, वो ज़्यादा श्रेष्ठ है पास रहने से, क्योंकि पास रहने से ये लगा रहेगा कि अब प्रभु चले जाएंगे, इस बात का दुख बना रहता है कि अब चले जाएंगे, अब चले जाएंगे। सेपरेशन इज सो प्लीजिंग टू द माइंड दैट इट कैनॉट बी डिस्क्राइब, तो विरह जो है बहुत ज़्यादा आनंद प्रदान करता है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इट ऑलवेज ट्रांसफॉर्म एटलीस्ट इन टू एन अबंडेंस ऑफ प्लेजर, तो कहता है जो विरह है वो आनंद की में परिवर्तित हो जाता है। ओनली एक्सपर्ट्स इन टेस्टिंग दिस मूव्स कैन अंडरस्टैंड हाउ दिस हैपन, यानी जो कुशल है, जिन्होंने अनुभूति के जो प्रेमी है वो समझ सकते हैं कि विरह में किस प्रकार आनंद छुपा हुआ है। अप्रभु मिलेंगे, अप्रभु मिलेंगे, अप्रभु के दर्शन भी होते हैं, इसका चिंतन भी होता है और सारे उसके अशुभ खत्म हो जाते हैं और वो प्रभु को अपने समक्ष देखता भी है, हालांकि साकार रूप से प्रभु दूर भी होते हैं लेकिन उन्हें अपने आँखों के समक्ष दिखाई भी देते हैं। कमेंट्री, द सो कॉल ब्लिस ऑफ मर्जिंग इन टू द इम्पर्सनल एस्पेक्ट ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रुथ इज ऑफन सेड टू बी इनडिस्क्राइबेबल, तो कहते हैं भगवान की ज्योत में ज्योत समाना ये जो मुक्ति होती है, ये कहते हैं ये एकदम तुच्छ है उस जो उसके भगवान के प्रेम भक्ति के आगे, क्योंकि उस पर जो सुख मिलता है वो कुछ भी नहीं है जो भगवान के सानिध्य में मिलता है। बट द ब्लिस ऑफ प्योर प्रेम इज इवन हार्डर टू डिस्क्राइब, जो शुद्ध प्रेम का एक आनंद है उसका वर्णन करना असंभव है। एंड मोस्ट हार्ड टू डिस्क्राइब इज द इनकंसीवेबल एक्सटेसी ऑफ ट्रांसेंडेंटल लव इन सेपरेशन, उससे भी कठिन है वर्णन करना कि जो भाव की अनुभूति है विरह के कारण, विच इज बॉर्न इन पेन बट ग्रोज इन टू द ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्लेजर, उसमें पीड़ा महसूस होती है दूरी होने कारण लेकिन उसमें एक अलौकिक सुख होता है। The ecstasy of separation is not the miserable experience it seems to consider, जो आनंद विरह में होता है वो दुखदायी नहीं होता है, दिखने में दुखदायी होता है लेकिन उसमें आनंद होता है। इट सीम्स टू बी ऑल्सो इट इज मनोरम, यानी यह हृदय की स्थिति है, बाहर से दुखदायी लगता है लेकिन अंदर से आनंद होता है। द कॉज ऑफ फुल सेटिस्फेक्शन फॉर दी हार्ट, हृदय में पूर्ण तृप्ति होती है। इज समवन स्टिल आस्क हाउ वन कैन फील हैप्पी विद इन मिजरी, ही शुड नो दैट ओनली द रसिक दोज अ स्पॉन्टेन ईगरनेस टू टेस्ट द प्रेम कैन अंडरस्टैंड इट, तो कहते को कैसे या अनुभूति कर सकता है। कहते हैं कुछ चीज़ें जो होती हैं वो अनुभव के विषय होते हैं, उसका वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे मीठी, मीठी चीज़ क्या है, अब उसका क्या इसको समझाएं, जो इंसान शक्कर खाएगा वही समझ सकता है मीठा किसे कहते हैं, लेकिन आप उसको वाणी से वर्णन नहीं कर सकते। उसी प्रकार ये जो विरह में जो सुख आनंद है ये इंसान को अनुभव करना पड़ता है। प्रेम की अवस्था में ये स्थिति आती है
प्रेम बढ़ेगा और प्रेम में जो विरह होगा उसमें जो तीन चिंतन तीव्र होगा तब जाके वो चीज़ को अनुभव करेगा और लगेगा कि इसमें जो सुख है वो किसी में नहीं है। आफ्टर द पेन ऑफ डिस्पेयर इज रिलीव्ड वंस हार्ट फील्स फुली सेटिस्फाइड। जो पीड़ा जो इंसान की निराशा की होती है वो शांत हो जाती है, उसके हृदय को एक आनंद की अनुभूति होती है। डिलाइटिंग कॉन्स्टेंटली वो हमेशा आनंद लेता है। एंड वन इन्जॉय द ग्रेट प्लेजर ऑफ मीटिंग विद वन बिलवर। और मनुष्य को बड़ा आनंद मिलता है। विरह के बाद आनंद का एक अलग सुख है। विरह जो है मिलन की पुष्टि करता है, उस प्रेम को बढ़ाता है। जब तक विरह नहीं होगा और तब तक मिलन का आनंद इंसान नहीं लेता, उसका आस्वादन नहीं कर सकता है। क्योंकि हर समय मिलन होएगा तो इंसान परवाह नहीं करता, ठीक है पास में मिल लेंगे देख लेंगे। जब विरह होता है तो उसका चिंतन बहुत तीव्र हो जाता है, मिलन की लालसा बहुत तीव्र हो जाती है और उसके बाद जो मिलन होता है उस सुख की जो अनुभूति होती है वो लगातार पास रहने में नहीं होती। इसलिए ये विरह बहुत ज़रा ज़रूरी है प्रेम की पुष्टि करने के लिए, मिलन का आनंद बढ़ाने के लिए। कमेंट्री, डोज हु हैव नॉट या रियलाइज देयर नेचुरल अट्रैक्शन टुवर्ड्स कृष्णा कैन नॉट अंडरस्टैंड द एक्सटेसी ऑफ सेपरेशन। जो लोग कृष्ण के प्रति अभी आकर्षित नहीं हुए हैं वो इस चीज़ को समझ नहीं सकते हैं कि भाई क्या रस होता है वियोग में, क्या आनंद की अनुभूति होती है। दे शुड नॉट वेनली प्रिटेंड टू बी एक्सपर्ट इन थिंग्स टू बी दे हैव नो रियल एसेस। इंसान को नकलीपन नहीं करना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए जो चीज़ उसकी अनुभूति नहीं जिसको हुई है। बस इंस्टेंट टेक गाइडेंस फ्रॉम दी ऑथेंटिक रसिक इन द लाइन ऑफ वैष्णव परंपरा। उल्टा हमको रसिक वैष्णवों के अनुगत में चलना चाहिए, उनसे रस्ते पूछने चाहिए और धीरे धीरे भजन के द्वारा आप उसमें प्रवेश करोगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है नाम कीर्तन। जितना मनुष्य का नाम कीर्तन बढ़ेगा उतना उस प्रेम में वो डूबेगा। कि नौ प्रकार की भक्तियों में, नवदा भक्तियों में भी सर्वश्रेष्ठ नाम को दिया गया। नौ में से पांच है भागवत श्रवण, मथुरावास, साधु संग, विग्रह सेवा और नाम संकीर्तन। उस पर जो नाम संकीर्तन शब्द, क्योंकि भागवत पढ़ने का फल क्या, नाम में रुचि होना। साधु संग करने का फल क्या, नाम में रुचि होना। विग्रह सेवा का फल क्या है, नाम में, क्योंकि विग्रह भी तब प्रकाशित होते हैं जब इंसान हरि नाम करता है। अगर वह हरि नाम नहीं करेगा जितना मर्जी विग्रह की सेवा करो उसे कोई फल नहीं मिलता। विग्रह भी तब व्यवहार करते हैं जब उसके अंदर भाव बनते, वह भाव नाम से बनता है। तो साधु संघ का फल भी नाम रुचि है, धामवास का भी फल नाम रुचि है, क्योंकि धाम भी तब कृपा करता है जब जीव हरि नाम करेगा। अगर नाम जपने की रुचि, धाम में जाके भी पाप कर्म करोगे तो धाम में कोई फर्क नहीं मिलता, कोई उल्टा धाम में केवे अपराध वज्र तुल्य हो जाते, बहुत कठोर हो जाते पाप। इसलिए जिनको नाम जप करने का आदत है, अभ्यास है और जो भजनशील है वही धाम का आनंद आस्वादन ले सकता है, वही कृपा ले सकता है धाम का, अन्यथा दूसरा नहीं ले सकेगा। तो ये सब का फल अगर देखा है तो केवल नाम कीर्तन है। जितना अधिक नाम कीर्तन करोगे उतनी जीरा कृपा, ये सब चीज़ें हेल्प करती है। साधु संग, कथा, धामवास जाना, मंदिर जाना, पूजा कर, ये सब हेल्प करती है। जी को नाम जप, अल्टीमेटली नाम जप है। लेकिन नाम जप किस प्रकार किया जाए, दीनतापूर्वक अपने को तुच्छ मानते हुए। और श्रेय साधु संग करोगे वो दीनता के भाव बने रहेंगे, नहीं तो इंसान के अंदर अभिमान आ जाता, अपने साधन का भी भजन का भी अभिमान आता, वो दीनता के भाव बने रहेंगे, वो दीनता भाव। और जो अपने को इंसान तुच्छ मानेगा उसके अंदर सहन शक्ति होगी सहन करने की, नहीं तो थोड़ी सी बात मुझसे बर्दाश्त होता है वो इंसान लड़ाई करना शुरू करता है। यानी उसका अहंकारी इंसान के अंदर सहन शक्ति नहीं। अहंकारी इंसान छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाता है और लड़ाई करता है। देखो क्या होता है, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है और खुद एक्सपीरियंस किया है। जो लोग बहुत ज़्यादा क्रोधी होते हैं, जिनके अंदर नफरत वैर के भाव है दूसरे के प्रति, और जो लोग बहुत उल्टा सोचते हैं, हमेशा नेगेटिव सोचते रहते हैं, और
चौथी चीज़ जो लोग व्यर्थ में बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, चिंता उससे क्या होता है, बॉडी के अंदर जो शक्ति होती है बीमारी से लड़ने की वो ख़त्म हो जाती है और बीमारी बढ़ जाती है। इम्यून सिस्टम जिसको हम बोलते हैं वो ख़त्म हो जाता है उसका। इसलिए जो भक्त होते हैं वो भगवान पर निर्भर रहते हैं, वो चिंता नहीं करते, भगवान का चिंतन करते हैं, वो आश्रित रहते हैं। जो भगवान रखेंगे, जिस स्थिति में रखेंगे, जिस परिस्थिति में रखेंगे, हम ठीक है एक्सेप्ट करते हैं, वो व्यर्थ का सोच। और बैर झगड़ा करना भक्त का काम नहीं है, उसके कर्म इंसान उसको मारते हैं। हमारा मार्ग है प्रेम का मार्ग, हमें भगवान का भजन करके हमें प्रेम करना है। वैर झगड़ा ये हमारा काम नहीं है, ये उसके कर्म माने करेंगे और भगवान उसको फल जो देना वो देंगे, आप करने चूत नहीं। क्या होएगा, ये होगा सोचना, उल्टा सोचना, इससे इंसान को कुछ फर्क हो कि हालात आपके वश में नहीं है, लेकिन भजन करने से हालात बदल जाते हैं, भजन करने से कृपा मिल जाती है। तो इससे क्या होता है, इंसान अपने ही शरीर का नाश करता है और वो रोग से ग्रसित हो जाता है, रोग उसके अंदर आ जाते हैं। इससे जब इंसान भजन करता है, भगवान के सिर पर छोड़ता जा रहा, चिंता नहीं करता क्योंकि चिंतन करता है भगवान का, तो उसका शरीर स्वस्थ रहता है, वो बीमार भी नहीं होता ज़्यादा, क्योंकि भगवान पर छोड़ देता है भगवान पर। इससे हम क्यों कहते हैं ज़्यादा माला करो, यही सब कारण से है, क्योंकि इंसान मानसिक नुकसान भी आपका करता है, शारीरिक नुकसान भी आपका करता है, व्यर्थ का चिंतन करके, सोच सोच के बेकार की चीज़ें, झगड़ा करके, गुस्सा रख के उसके प्रति, झगड़ा वैर करना, बदला लेना, ये अपने ही शरीर का नाश करे, वो किसी और का नाश नहीं करे। क्योंकि हमारे अंदर आसक्ति और कामनाएं हैं, इसी कारण से हमें क्रोध आता है और हम दुखी होते हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं वो ऐसा करे, वो नहीं करता जैसा हम चाहते हैं, हम परेशान होते हैं कि वो ऐसा क्यों नहीं करे, नहीं करेगा। आप कितना प्रभु के अनुसार चल रहे, जो आप ये आशा रखते हो कि आप सब आपके अनुसार चले, नहीं चलेंगे, क्योंकि हर एक के संस्कार होते हैं। तो दुख कौन दे रहा है, हमारी आसक्ति और कामनाएं हमारे दुख का कारण है। अगर भगवान में आसक्ति हो और भगवत कामना हो तो ये संसारी आसक्ति या कामनाएं हमें दुख नहीं देंगे, फिर इंसान कभी परेशान नहीं होगा, ना वो रोगी होगा शारीरिक, ना मानसिक रोगी होगा। तभी वो आत्महत्या करता है, दुखी होता है, दिन के गोले खाता है, ये हुआ है, उसका अहम खड़ा हो जाता है, मेरे को ना बोला, मेरे को ऐसा बोलता है, ये मेरे को ऐसे बोल सकता है, अहम भी तो खड़ा होता है, और क्या होता है उसका, अहंकार ही तो होता है। तो इंसान अपने पतन का कारण खुद है, और ये बात वो समझता नहीं है कि हम जब कहते हैं भजन करो, कथा सुनो, नाम कीर्तन करो और ज़्यादा करो, इसका मतलब क्या है कि मैं आपको व्यस्त कराऊँ कृष्ण भक्ति में, ताकि आपके अंदर जो बुरे विचार हैं, नेगेटिव है, वो ख़त्म होने शुरू हो जाए, हर चीज़ आप पॉजिटिवली लोगे। तो जैसे शंकर जी को देखे, उनके जो सास मैं ना, उनके हाथ से जोत गल गई और भूल गए, तो लोग कहेंगे कि देखो आप शकुन। शंकर जी ने कहा नहीं, तो आपके सुनने का ढंग है जो क्यों कहते कि सूरज को देखने के बाद दीपक को बुझा देना चाहिए, उससे अच्छा कि दीपक बुझा दिए, तो सोच के चले जाते अंदर। जैसे वो आगे भूत प्रेतों को लेके चलते हैं विवाह के समय, तब पूछा गया ब्राह्मण को लेके चलते या गौ को लेके चलते, प्रेतों को लेके क्यों जा रहे, तो उन्होंने यही कहा कि जिसको देख के राम की याद है वो चीज़ अमंगलकारी हो ही नहीं सकती। जिसको देख के राम को जब मैं तो कहते ब्राह्मणों को देख के मैं राम राम नहीं करता, गौ को देख के राम, लेकिन प्रेतों को देख के राम राम करता हूँ, तो जो चीज़ प्रभु की याद के वो चाहे मंगलकारी कैसे हो सकती है। तो कहने का भाव क्या कि इंसान ये जो कथा है जो सुनता है ना, हमारी नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करती है सारी एनर्जी। जो चीज़ हम हर चीज़ का गलत अर्थ लेते हैं, दुखी हो जाते हैं, रोने बैठ जाते हैं, तो उसको हम सही अर्थ में लेना शुरू करते हैं, इसका अर्थ क्या, इसका तात्पर्य क्या होता है, तो इंसान परेशान नहीं होता, वो स्वस्थ रहता है। इससे जो रियल भक्त होते हैं, भक्त बनना मुश्किल है, जो रियल भक्त वो हमेशा खुश रहते हैं, और ना वो शरीर से रोगी होते हैं, ना मन से रोगी होते हैं, उनके दवाइयाँ भी ख़त्म हो जाती हैं, डायबिटीज़ भी ठीक हो जाते हैं। डायबिटीज़ का कारण क्या है, वो बहुत ज़्यादा चिंता करना, हार्ट की प्रॉब्लम का कारण भी यही है, तो सारे प्रॉब्लम जो है डिप्रेशन का कारण भी यही है, ब्लड प्रेशर का कारण भी यही है। तो इंसान अपना कारण पतन का खुद होता है, दूसरा नहीं। इसलिए कहते हैं अधिक समय भगवान के भजन में अपने माइंड को व्यस्त करो, लेकिन ये बात बहुत कम लोग समझेंगे सुनेंगे। इसे कहते हैं रसिक भक्तों के अनुगत में चलने से ही इंसान ये चीजों को समझता है। कथा सुने, नाम जप करिए, अपने आप सब ठीक है, नाम सब बढ़ाइए, कथा बढ़ाइए,
ज़्यादा सुनिए, ज़्यादा पढ़िए, देखो कैसे दिमाग सही होता है। टेंशन ही सबको है, प्रॉब्लम सबको है, मैं मानता हूँ, लेकिन भगवान की कृपा से भजन से रास्ते निकल आते हैं, भगवान निकाल लेते हैं। वो हालात बनाते कैसे बनाते ये मेरे को मैं नहीं कह सकता, उनको पता है किसके लिए कौन सी स्थिति खड़ी करना, कैसे खड़ी करना। अब चीज़ अकस्मात नहीं होती, वो भगवान ही आके कोई ना कोई रूप में बचा लेते हैं। इसलिए उस पर निर्भर होइए, निर्भर होइए भगवान पे, फिर आप शरीर से भी स्वस्थ रहोगे, मन से भी स्वस्थ रहोगे। वन मे वॉन्ट टू फील दैट सेपरेशन अगेन एंड मे इंडीड फील डिस्ट्रेस इफ वन कैनॉट। तो इंसान चाहता है कि मैं वो उस विरह की अनुभूति दोबारा करूं, और नहीं हो तो उसको दुख होता है, क्योंकि क्योंकि विरह में जो चिंतन था वो अब नहीं हो रहा मिलन में। उसको बार बार उसके दर्शन होते थे प्रभु के, तो अब पता है कि प्रभु बैठे हैं कमरे में, तो बैठे हैं, वो उसको मिलने नहीं जा रहा। जैसे विरह में वो चिंतन करता था हर वक्त, उसको मिलने की लालसा होती थी। Thus a person who can remind one of beloved not present is considered the most sincere and actual friend. तो कहते हैं जो मनुष्य उस प्रीतम की याद कराता है जो आपके पास नहीं, आपके समक्ष उपस्थित नहीं, आपके सामने नहीं है, उसकी याद कहता है इस कंसिडर, वो सबसे प्रिय और अच्छा मित्र उसी को माना गया जो सहायता करता है। और हमारे प्रियतम कौन है? कृष्ण। जो भी हमें, या ब्रजवासी गोपियां वहां की, जो भी हमें उन ब्रजवासियों की गोपियों की याद कराए, भगवान का याद कराए, और उन और वो ही हमारा सच्चा मित्र होता है, शुभचिंतक होता है। The hearts of a devotee absorbed in vira bhav are unavoidably compelled to speak, seek more of it. जो जिन भक्तों के हृदय में विरह के भाव हो रहे हैं वो और उसके बारे में बोलना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं, क्योंकि क्या होता है, जिससे आप प्रेम करते हो उसका विरह अनुभव कर तो उसकी चर्चा हमेशा करोगे। चर्चा करने से क्या होगा, प्रेम और बढ़ेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी कहाँ जारी, भगवान के कथा कीर्तन में, भगवान के नाम जप में जारी, तो उससे आपके प्रेम में वृद्धि अपने आप होनी शुरू हो जाती है। और क्योंकि ये प्रेम के लक्षण है, क्योंकि या तो नाम जप करेंगे या कथा करेंगे, यही तो लक्षण है प्रेम के, और क्या करेंगे, क्योंकि उनसे भगवान का विरह सहा नहीं जाता, इसलिए उसको दूर करने के, भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, नॉन डिफरेंट है, भगवान कथा भगवान से नॉन डिफरेंट है, अभिन्न है, इसलिए वो हर वक्त या कथा करेंगे या नाम करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। उल्टा कोई आके उनसे कहे कि मुझे कथा सुनने बड़ी खुशी होती है, क्यों, क्योंकि मेरे प्रीतम की याद मुझसे करा रहा है, उसका चर्चा करा रहा है, चिंतन करा रहा है, उससे बहुत खुशी अनुभूति होती है। दे कैनॉट टॉलरेट लूजिंग दिस एक्सटेसी, उस प्रेम को, भाव को वो खोना नहीं चाहते। अगर कुछ भी प्रेम नहीं भी है, जीरो भी है, अगर तो भी आप कथा ज़्यादा पढ़ोगे, सुनोगे और जाप करोगे, कथा सुनोगे और जाप ज़्यादा करोगे, तब क्या होएगा, अधिक करने मात्र से, जितना आप अधिक हरी कथा नाम सुनोगे, प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, नहीं भी हो तो प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि प्रेमी अपने प्रीतम की चर्चा बगैर रह नहीं सकता, उसका चिंतन किए बगैर, नहीं भी प्रेम है तो करते करते प्रेम उत्पन्न हो जाता है। ज़्यादा कथा सुनो, सुनना पर्याप्त नहीं है, सुनने के बाद कीर्तन रिपीट करना, किसी ना किसी को सुनाना, तो कीर्तन से चीज़ याद रहती है और कीर्तन से आपकी एनर्जी जाती है बोलने में, तो जहाँ पे एनर्जी जाती है उधर आपके अटैक पॉइंट, वहाँ की कथा में आपकी एनर्जी आएगी उधर अटैक पॉइंट होगी। संसार की चर्चा करोगे उधर एनर्जी तो उसकी आ सकती है, वो चीज़ याद करेंगे, तो एनर्जी को गलत जगह पर मत लगाओ, सही जगह पर लगाओ, भगवान की चर्चा में लगाओ। जहाँ पे लोग विषय संसारिक पार करते हैं उसको उस स्थान उठ के चले जाओ, उधर बैठने की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत नहीं है, तो क्या, क्योंकि आपको टाइम वेस्ट होगा, आपका चिंतन होता रहेगा तो आपका पतन होएगा। भगवान का चिंतन कोई कथा तो करते नहीं है, तो क्या जरूरत है संग करने की, उनके बैठने की। दोस्त और रिश्तेदार नहीं होना वो ज़्यादा अच्छा है गलत दोस्त और रिश्तेदारों होने से, नहीं होना ज़्यादा अच्छा। कृष्णा प्रूफ देयरफॉर इज सिंपल, हाउ कैन एनीवन हार्ट फील द सर्ज वर्ज टू सफर मोर एंड मोर पेन अनलेस दैट पेन इज रियली प्लेजर।
तो कहते हैं कि यह कृष्ण का प्रमाण है कि किसी का हृदय कैसे बर्दाश्त करेगा मैं और दुख उठाऊं। उस दुख में भी तो उसे आनंद आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बच्चे से प्रेम करते हो तो बच्चे को अगर कहते जी मैंने गोद में लेके चलो घर पे, मैं चलूँगा नहीं, बच्चे को आप गोद में लेके चलोगे आपको कष्ट होगा तकलीफ, लेकिन उस दुख में भी आपको आनंद, क्योंकि बच्चे को खुश देखे। तो इसी प्रकार प्रभु का प्रेम देखने में, प्रभु से प्रेम करने में एक दिव्य रस की अनुभूति होती है हमको। वो कष्ट में भी आनंद आता है क्योंकि प्रभु के लिए हो रहा है, प्रभु खुश हो रहे हैं। प्रभु को खुश करने के लिए अगर मुझे दुख भी उठाना पड़े वो दुख भी सुखदायी होता है। ये जब आपके प्रीतम को खुश रहोगे आपकी खुशी बढ़ेगी बढ़ेगी। लेकिन अहंकारी इंसान मुझे क्या मिलेगा मुझे क्या मिलेगा, वो अपने आप अहंकारी इंसान अपने तक सीमित है, इससे कभी खुश नहीं रहता। लेकिन जो प्रेमी होते हैं वो सुखी रहते हैं। इसलिए प्रेम बहुत रेयर चीज़ है, बहुत दुर्लभ वस्तु है, ये भजन से ही प्राप्त होती है। इससे साधु संग और भजन हमें अधिक करना चाहिए। आउटसाइडर में परसीव आर डिवोटीज एक्सटेसी एज सफरिंग। बाहर वालों को लगता है कि ये रो रहा है, बहुत दुखी हो रहा है, उसको ये महसूस होता है। अदर्स में परसीव आर डिवोटीज सक्सेस एंड डेवलप डिवोटी में स्पीक एंड एक्ट एज इफ इट वर, और भक्त वैसा व्यवहार करता और कहता कि मैं बहुत दुखी हूँ, बट द ट्रुथ मस्ट बी जस्ट दी ऑपोजिट। लेकिन सत्य यह है कि उसको दिव्य रस और आनंद की अनुभूति होती है, वो चाहता नहीं इस रस से मैं बाहर निकलो। जजिंग फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ द डिवोटी अस टू कंटिन्यू सफरिंग वीरा भाव, दैट भाव मस्ट बी मस्ट इन फैक्ट बी द अल्टीमेट हैप्पीनेस। तो कहते हैं भक्त इसी प्रकार दुखी रहना चाहता है, इस विरह की अनुभूति करना चाहता है, वो दिव्य रस की अनुभूति लेने के विरह अनुभव करना चाहता है, तो समझ सकता है कि सर्व से खुश है विरह में, विप्रलम भाव, विप्लम भाव की विरह में यूनियन, यूनियन इन सेपरेशन जिसका बोलते हैं, यानी दूर है लेकिन हमारे एकदम करीब है क्योंकि हम चिंतन कर रहे हैं रात इसका, तो यूनियन इन सेपरेशन है विप्रम भाव, यूनियन इन सेपरेशन यानी दूरी है दिखती भाव से लेकिन चिंतन से उसके साथ है हम लोग, समझे बात, मिलन भिरम में मिलन जो होता है। एक बहुत ही एग्जाम्पल उदाहरण दिया जा रहा है, वो क्या है, ऑल दो द कोल्डनेस ऑफ आइस इज द ऑपोजिट ऑफ द हीट ऑफ फायर, आइस प्लेस ऑन वन बॉडी मे फील एज हॉट एज बर्निंग कोल। तो कहते हैं कि जो बर्फ का जो ठंडकपना है वो अग्नि के विरोध है, गर्मी के विरोध है, लेकिन वही जब बर्फ रखी जाती है शरीर पे तो उसमें जैसे कोयला रखा था गर्म और तकलीफ होती, वैसे तकलीफ होती जो उसको ड्राई आइस बोलते हैं, ड्राई आइस होती है जो होते हैं ना जो वैक्सीन वगैरह बनाते हैं तो उस पर वो भेजते हैं और बनाते कि ठंडक बने, लेकिन अगर उसका आपको स्पर्श हो जाए दिखने में ठंडी जैसी होती है लेकिन उसका जो प्रभाव होता है एकदम शरीर को जला देता है, उसको ड्राई आइस बोलते हैं। तो कहता है इन दिस एग्जाम्पल द बर्निंग सेंसेशन फ्रॉम आइस इल्यूजनरी। तो दिखता है कि जो जल रहा है वो एक भ्रम है, द म्यूंडेन नंबिंग कोल्डनेस रियल, जो शरीर ठंड के कारण जो क्या बोलते हैं नंब हो जाता है वो सही है दिख रहा है। सिमिलरली द पेन ऑफ विरह भक्ति इज फॉल्स अपीयरेंस डिस्गाइजिंग द रियलिटी ऑफ इनडिस्क्राइब। इसी प्रकार विरह है वो दिखता है कि
पीड़ा है, दुखदाई है, लेकिन उस पर वास्तव में वो सुख आनंद है जो वर्णन नहीं किया जा सकता। द डिफरेंट बिटवीन द एक्सटेसी ऑफ सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा एंड द कॉमन सेंसेशन ऑफ बीइंग टच्ड बाय आईज इज दैट डीप फीलिंग ऑफ वीरा भाव इज नोन ओनली टू अ फ्यू टू कृष्णा एंड सम ऑफ द मोस्ट इंटीमेट डिवोटी। तो कहते हैं बहुत कम लोग हैं जो इस बात की अनुभूति करते हैं कि वीरा भाव क्या है। बहुत कम लोगों को इस बात का पता है, नॉर्मल लोगों को पता नहीं कि वीरा क्या होता है। जो चैत्र महाप्रभु की धारा में आते हैं वही इस चीज़ का आस्वादन कर सकते हैं, क्योंकि महाप्रभु हमको यही प्रदान करने आए हैं। दीज गोपीज आर नेवर लिव फ्रॉम अ मोमेंट फ्रॉम द टेंशन ऑफ वीरा भाव। यानी गोपियों को हर वक्त चिंता लगी रहती है वीरा भाव की। सिंस इवन वेंट टूगेदर विद कृष्णा दे आर इन एंग्जाइटी अबाउट लूजिंग हिम। जब कृष्ण साथ में होते तब भी उनको चिंता लगी थी कि कृष्ण अब चले तो जाएंगे, छोड़ के चले, दूर तो चलेंगे। हर वक्त उसकी चिंता बनी रहती है। दे नेवर लूज टच विद द एक्सटेसी। इसी प्रकार उनको एक दिव्य रस और आनंद की अनुभूति होती है। एंड सो हैव नो रीजन टू थिंक अबाउट रीगेनिंग इट। और उसको कोई प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना पड़ता। यद दे डू नॉट कंसिडर द पेन ऑफ सेपरेशन अ गोल फॉर एनी वन टू स्ट्राइव फॉर, बिकॉज इट बर्न्स देम मोर शार्पली देन अ मिलियंस ऑफ फॉरेस्ट फायर। तो वो क्या कहते हैं, वो उनको लगता है कि जो वीरा की जो पीड़ा है वो सब कहते हर बंदे के लिए नहीं है जो उसके लिए प्रयास करे, क्योंकि उस पर क्या होता है ओ बिकॉज इट बर्न्स देम मोर शार्पली देन अ मिलियंस, क्योंकि वो इतना ज़्यादा वीरा अग्नि पैदा करता है जैसे जंगलों में आग लगी हो, सैकड़ों जंगलों में आग लगी हो, जो कितनी गर्मी की उससे भी ज़्यादा उनको ताप मिलता है वीरा के कारण। गोपियों के शब्द भागवत में से लिए गए। डियर उद्धव प्रभु व्हेन कृष्णा वाज हियर इन द कंपनी ऑफ संकर्षण। तो उद्धव जी जब कृष्ण जो थे संकर्षण के साथ, ही इंजॉयड ऑल दिस रिवर हिल्स फॉरेस्ट काउस एंड फ्लूट सॉन्ग। उन्होंने नदियाँ पहाड़ियाँ जंगल गो और मुरली की ध्वनि इस सब का आस्वादन किया। ऑल दीज रिमाइंड अस कॉन्स्टेंटली ऑफ नंदसन। यानी ये जो हम चीज़ें देखते हैं, नदियाँ पहाड़ देखते हैं, जंगल देखते हैं, गौवे देखते हैं, बांसुरी के ध्वन, हमें कृष्ण की याद आती है। इन डिड बिकॉज वी सी कृष्ण फुटप्रिंट विच आर मार्क विद डिवाइन सिंबल वी कैन नेवर फॉरगेट हिम। और खासकर जब कृष्ण के चरण चिन्ह अब भी विभ्रत में विराजमान है, जब हम उसके देखते हैं तो हम भूल नहीं पाते हैं। आज भी आप देखोगे कितनी जगह पे चरण चिन्ह देखते हैं। चरण पहाड़ियाँ तीन है, एक नंदगांव में चरण पहाड़ी, उधर भी चरण चिन्ह आज भी दिखाई देते हैं। काम्यवन में चरण पहाड़ी है, कोसी में चरण पहाड़ी है, तीन जगह पर चरण पहाड़ी है। और आप देखोगे वैमसौर की गुफा के ऊपर जाओगे उधर भी चरण चिन्ह आपको दिखाई देंगे। तो आप जब साकरी खोल की परिक्रमा करते हो बरसाने, होगा भी आपको वहाँ के चरण चिन्ह और चरणों के चिन्ह दिखाई देते हैं। तो यानी भगवान के चरण चिन्ह आज भी ब्रज में विराजमान है और उनको याद देख के उनको हमेशा कृष्ण की याद आती है। उस समय तो थे ही थे सब जगह पे, आज भी ये 5-7 साल के ऊपर होने के बाद भी आज भी वो चिन्ह दिखते हैं। जिन्होंने ब्रजमंडल किया वो उन्होंने सब चीज़ देखी है, तो उस चीज़ का अनुभव कर सकते हैं। क्या मैं कह रहा हूँ, हाँ हाँ हाँ, उन्हें उनको जो प्रेमी को सीख होएगा ना, शिला भी निरंतर विराम में रहते रहेंगे ना। हाँ रहते होंगे, डेफिनेटली रहते होंगे भगवान के वीरा में, क्योंकि जो वो हर चीज चेतन है ब्रज में, हर चीज चेतन है भगवान के वीरा अनुभव। इससे तो लुप्त हो रहे धीरे धीरे, जितने 10 साल पहले हमने देखे थे गहरे थे चिन्ह, आज देखते हैं थोड़े कम हो गए हैं। और जैसे कलयुग बढ़ेगा ये सारे चिन्ह लुप्त हो जाएंगे।
जैसे हमने भोजन थाली में खीर गंगा देखी है, आज से 2 साल पहले हमने प्रत्यक्ष देखी पानी होता रहा, आज कुछ नहीं होता, पूरा केवल घास रह गई है, लुप्त हो गई है, क्योंकि लुप्त हो गई है। ये 2 साल पुरानी बात है, ज़्यादा नहीं मैं कह रहा हूँ। उसी प्रकार जो चंद्र बहुत गहराई में गहरे दिखते थे, आज लुप्त हो रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि कलयुग बढ़ेगा, सब लुप्त होने वाले हैं। तो जब तक है तब तक दर्शन कर लो, कल पता नहीं संसार में रहे या नहीं रहे चीज़ें। तो कहते हैं एज द स्टेटमेंट इम्प्लाइज द गोपी डू नॉट वरी अबाउट द पेन ऑफ फॉरगेटिंग कृष्णा। तो कहते हैं गोपियों को इस बात की चिंता नहीं कि हम भगवान को भूल जाएंगे, उनको कितनी पीड़ा होगी, भगवान को भूलने की पीड़ा होगी, तो भगवान को भूल नहीं पाती ना, उन्हें पता है कि कितनी पीड़ा होती है भगवान को भूलने की। बिकॉज कृष्णा, बिकॉज फॉरगेटिंग कृष्णा इज समथिंग दे कैन नॉट, अगर कोई कृष्ण को भूलना भी चाहे वो भूल नहीं सकते। हमारी समस्या हमें कृष्ण की याद आती नहीं है, और उनकी समस्या है कि कृष्ण कब हम भूले तो हमको संसारिक क्रिया करें या घर का काम करें, वो कृष्ण को भूल नहीं पाती, हर हम कृष्ण को याद कर नहीं पा रहे। देखो कितना स्थिति हमारी विपरीत है, क्योंकि एक बार कृष्ण का जब रंग चढ़ जाता है प्रेम का, फिर वो कभी उतरता नहीं, वो उतारना भी चाहता नहीं उतरेगा, लेकिन वो चढ़ना मुश्किल है, लेकिन चढ़ता है कृपा से। नाम कीर्तन बहुत करिए, कीर्तन नाम से जरूर प्राप्त होएगा एक दिन। कथा सुनते जाइए, नाम जप करते जाइए, विश्वास रखिए, संतों पे जरूर कृपा मिलेगी। तो कहते हैं कि दे समटाइम वुड लाइक टू फॉरगेट कृष्णा टू अवॉइड दी एवर इनकेजिंग एग्नी ऑफ रिमेम्बरिंग हिम। तो वो कहते हैं वो कृष्णा को भूलना चाहती है, क्योंकि जब इसके हाथ में बहुत पीड़ा होती है, वो हमारे सामने होता है, बहुत दुखी होती है, इसलिए वो उसको भूलना चाहती है। एंड सर्टेन डू नॉट नीड टू स्पीक टू बी पुट इन दी फायर ऑफ सेपरेशन, उनको विरह अग्नि में डालने की जरूरत नहीं, उनका प्रेम स्वाभाविक है बचपन से, वो कृष्ण के साथ ही खेली कूदी बड़ी हुई है, वो उसको कभी भूल ही नहीं सही है, उनका सारा जिंदगी कृष्ण के लिए ही समर्पित रही है। तो गोपियों को हर समय कृष्ण की विरह की पीड़ा की अनुभूति होती रहती है। देयरफॉर द हैप्पीनेस दे एंजॉय इज एक्चुअली ग्रेटर देन एनीवन, इसलिए उनको जो सुख की अनुभूति होती है वो सर्वश्रेष्ठ होती है। दे आर सुपीरियर टू ऑल अदर सर्वेंट्स ऑफ गॉड एंड टू ऑल दी अदर इंटीमेट डिवोटीज। प्लीज अंडरस्टैंड when somehow made mindful of those one loves, one is given back one's life. तो कहते हैं कि कोई हमें याद कराए जिससे हम प्रेम करते हैं, तो समझो उसको से प्राण का संचार कर दिया उसके जीवन में, क्योंकि तो जिसे हम याद पसंद करते हो उसके तुम मुझे याद कराते हो तो तुम मुझे मेरे प्राण दे रहे हो। फॉरगेटिंग दोस मोर डियर देन वंस ओन ब्रेथ इज मोर प्योरफुल देन डाइंग। कहते अपने प्रियतम को भूलना जो हमें प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है, कहते वो मृत्यु से भी ज़्यादा दुखदायी है। Those dear as life, one can never forget, but when one reminded of them in a special way, one feels happy. कहते हैं those dear as life, one can, जो अपने प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है उससे वो भूल नहीं पाता, but when reminded of them in a special, जब उनकी को याद कराता है, one feels, उसे बहुत खुशी होती है। पहले तो भूला नहीं, कोई उसको याद कर उसकी चर्चा कर उससे बड़े विशेष आनंद की अनुभूति होती है। लाइक वन हु हैज लिव्ड अ लाइफ ऑफ गुड फॉर्चून, मेरा जीवन धन्य हो गया उसकी याद करके, तो मुझे याद कराया तो मेरा जीवन धन्य, ऐसा वो अनुभूति करता है। सो टुडे यू हैव फेवर्ड मी ग्रेटली एंड देयरफॉर आई एम डिलाइटेड, आपने मेरे पे बहुत कृपा की,
क्योंकि जिसको मैं भूला नहीं उसके याद करा के, उसकी चर्चा करा के तूने मेरे पर बहुत बड़ी कृपा की। कृष्ण कह रहे नारद जी को, प्लीज चूज वट एवर बेनिडिक्शन यू वुड लाइक, आप मुझसे कोई वर मांग लो, क्या वर आप मुझसे मांगना चाहते हो। श्री परीक्षा परीक्षा कहते हैं द सेज बिगेन सिंग कृष्णा ग्लोरीज। तो नारद जी भगवान का गुणगान करने लगे, प्लेइंग ऑन इज वीना एंड शॉर्टिंग जय जय, और वीना बजाते हुए जय जय करते हुए उनका गुणगान करने लगे। ही प्रेज लॉर्ड कृष्णा द गिवर ऑफ बेनिडिक्शन, उन्होंने भगवान की पूजा की जो वर देने वाले हैं, विद सॉन्ग्स फिल्ड विद नेम्स अराइजिंग फ्रॉम हिज पास्टर्म इन ब्रिज। और उन्हें कौन से गीत गाए, उन नामों का कीर्तन किया जो ब्रज की लीला के अनुसार होता है। जैसे कृष्ण को जब उखल से बांधते हैं तो उनका नाम पड़ जाता है दामोदर, तो दामोदर लीला का गान किया, उस नाम का कीर्तन किया। जब गोपियों के साथ रहते हैं तो उन्हें गोपी कांत कहते हैं या गोपीनाथ कहते हैं। जब राधा रानी के साथ हो तो राधाकांत कहते हैं। तो उनकी लीला के अनुसार उनके नामों का कीर्तन किया, क्योंकि भगवान के जितने भी नाम हैं उन लीला से जुड़े हुए हैं। जितने भी नाम है कोई ना कोई लीला से जुड़े हुए हैं। मदन मोहन यानी कामदेव संसार को आकर्षित करता है, भगवान उस काम को स्वयं आकर्षित करते हैं, तो मदन मोहन हो गए काम को भी आकर्षित करने के कारण। हैं रणछोड़, हाँ रणछोड़ ये द्वारका का नाम है, ये ब्रज का नाम नहीं है। वहाँ रणछोड़ ये द्वारका में भागे थे तो उसका नाम पड़ गया रणछोड़, वो द्वारका है। तो अभी हमको सिलेक्ट करना है कि हमको कौन से नाम का कीर्तन करना है। अगर आप वासुदेव बोलते हो, देवकी नंदन बोलते हो, या क्या बोलते हैं जो द्वारकाधीश बोलते हो, तो ये सारे नाम द्वारका के, ये आपको द्वारका की ओर ले जाएंगे। अगर हमें ब्रज में जाना है, ब्रज के भाव, तो ब्रज के नामों का कीर्तन करना पड़ेगा। राधा रमन, राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ, राधा कांत, ये सारे जो नाम है ब्रज के, ये नाम हमें ब्रज में लेके जाते हैं। देखो ये भी हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब हमका उद्देश्य क्या है, ब्रज जाना है कि द्वारका जाना है। इधर माधुर्य है, उधर ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य एंड रेवरेशन के भगवान उधर राजा के रूप में है। इधर माधुर्यता है, वो अपने प्रीतम है या हमारे सखा है, हमारे पुत्र हैं, उधर वो राजा जा नहीं है, उधर तो उनको काम कराया जाता है, जूते मारे जाते हैं, तो उधर ये बात अलग होती है वहाँ पे। तो किस भाव में आप जाना चाहते हो उसके अनुसार आपको नाम सेलेक्ट करने पड़ेंगे, इसी नाम का हमको कीर्तन करना है। तो महाप्रभु जो हमें हरे कृष्ण महामंत्र दिया है, तो इस हरे कृष्ण महामंत्र में उन्होंने क्या दिया है कि हरे मतलब राधा रानी है, राधा रानी हरे का मतलब राधा रानी होता है, और कृष्ण का मतलब जो आकर्षित करते हैं। कृष्ण ब्रज के नाम है, क्योंकि राधा हरि का मतलब हरने वाला, क्योंकि राधा रानी कृष्ण के मन को हरण करती है, उनकी बांसी को हरण करती है, इसलिए उसका नाम हरे पड़ गया। और कृष्ण राधा जी के मन को हरण करते हैं, भक्तों के मन, उनकी बुराइयों को हरण करते हैं, इसलिए उनका नाम कृष्ण पड़ गया। और कृष्ण का मन जो आकर्षित करे, और न का अर्थ जो प्रेम प्रदान के, जो सेवा में दुख किए, तो कई इसके तो ये जो है ये ब्रज प्रधान है। और यहाँ पे जो राम का अर्थ है वो है राधा रमन, ये यहाँ पे दर्शन नंदन राम नहीं, हरे राम हरे राम राम बोलते हैं। तो यहाँ पे जो नाम है ये राजन में राधा रानी रमन करती है, ये ब्रज को लेकर राम यहाँ पे बोला गया, ये दर्शन नंदन राम को लेकर नहीं कहा गया। तो ये जो पूरा जो मंत्र है हरे कृष्ण का, ये माधुर्य प्रधान है, समझे ना। हाँ, तो ये आपको माधुर्य भाव में लेके जाता है, ब्रज के भाव में लेके जाता है। तो अभी आप जैसे पुराण के साई धाम में तो इक्वल शक्ति है, मोक्ष सभी देते हैं, द्वारका चले जाओ, अयोध्या चले जाओ, मथुरा चले जाओ, सभी मोक्षदायिनी है। लेकिन हमें हमारा उद्देश्य कौन से भाव में प्रवेश करना, वो इम्पोर्टेंट है। तो ब्रज भाव में प्रवेश करना, तो बार बार हमें ब्रज में ही जाना पड़ेगा, ब्रज के प्रति आसक्ति होनी चाहिए। अगर आप द्वारका जाते हो, दोष नहीं है इसमें, भगवान के नगरी मोक्ष तो मिल जाता है, तो आप द्वारका में जाओगे, द्वारका मरने के बाद द्वारका लोक में जाओगे, जब हम के देवे लोक है उसमें प्रवेश करोगे, ब्रज भाव में नहीं जाओगे।
तो अभी वही है कि हम जिधर बार बार जाते जो उधर हम पैसा खर्च कर, हमारी अटैचमेंट उधर होती है। तो अगर आप ब्रजवासियों पे खर्चते हो, धाम में जाते हो, अगर बरिश की परिक्रमा करते हो, तो वो गलिया की याद आएगी, उस स्थान की याद आएगी, हर चीज़ की याद आएगी, तो प्रेम स्वाभाविक आपके ब्रज के प्रति ही तो बढ़ेगा। और ब्रज से श्रेष्ठ कोई धामी सारे वर्ल्ड के तीर्थ ब्रज में ही तो वास करते हैं, घर समिता वर्णन करती है। और आपने स्वयं अनुभव के जन परिक्रमा, बद्रीनाथ है, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, मनसा देवी, रामेश्वर, क्या नहीं है, द्वारका जी, सभी तो ब्रज के अंदर है। कौन से तीर्थ जो ब्रज के बाहर है? मानसी गंगा, स्वयं गंगा जी प्रकट हुई है वहाँ पे, पावन सरोवर प्रयागराज, स्वयं पावन सरोवर के प्रयागराज है, तो क्या नहीं ब्रज के अंदर। तो जब ब्रज में सारे तीर्थ वास के भगवान जी से अपना घर मानते हैं, तो उसके घर को छोड़ के हम भाग के हरिद्वार, हरिद्वार का मैं हरि का द्वार, तो आप घर से द्वार या द्वार से घर आते हो। जब ब्रज आ गया तो फिर द्वार में जाने की जरूरत क्या है? जब घर के अंदर आ गए फिर द्वार पे क्या करोगे जाके? फिर द्वार से अंदर आते घर में, नहीं हमें हरिद्वार जाना, हरिद्वार जाने में कोई दोष नहीं है, लेकिन जब घर को छोड़ के द्वार पे जा रहे हो, ये तो मूर्खता है। तो ये चीज गहराई की चीजें जो हमें समझनी चाहिए। लोग तो को समझ नहीं, लोग तो बोलेंगे क्या हमेशा वृंदावन जाते हैं तो केदार जाना चाहिए, इस बार सबको देखना चाहिए। फिर वही है कि मरने के बाद कहाँ जाना है, आपको कौन से स्थान में जाना है, किधर आपकी आ सकती है, आपको चतुर्भुजी रूप विश्वकुंड चाहिए या राम जी का रूप चाहिए, साकेत लोक चाहिए या द्वारका के भाव चाहिए, मथुरा के ब्रज के भाव चाहिए, तो कहाँ पे आपको जाना है वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, विष्णु के तो कोई सखा नहीं है, उधर वो रस नहीं मिलेगा सखे का, उसके माता पिता है नहीं कोई, वहाँ पे वात्सल्य रस भी नहीं मिलेगा, ना उधर माधुरी मिलेगा, क्योंकि उनका कोई गोपिया तो है नहीं। मोक्ष है, ठीक है, सुख है, सब कुछ है, लेकिन वो रस नहीं है। जो रस ब्रज कृष्ण के सखा भी है, मित्र भी है, राम जी के सखा है, लेकिन वहाँ पे एक मर्यादा, राम जी के सखा राम को आदेश नहीं दे सकते, लेकिन कृष्ण के सखा कृष्ण को जूठा भी उनके कंधे पे भी चढ़ सकते हैं, उनको आदेश दे सकते हैं, तो यहाँ पे माधुरता है, राम के नहीं कर सकते हैं। तो जो माधुरता का प्रधानता ना, कि कहाँ पे हमको जाना है, हमारा लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, हमको महाप्रभु ब्रज भक्ति देने आए हैं, अयोध्या भक्ति नहीं, मथुरा भक्ति नहीं, द्वारका भक्ति नहीं, ब्रज भक्ति देने आए। अगर महाप्रभु के ग्रंथ पढ़ते हो, चैतन्य चैतामृत पढ़ते हो या चैतन्य भागवत पढ़ते हो, तो आप समझोगे कि हमें ब्रज जाने, हमारे जीवन ये जो ब्रज भागवत हम पढ़े या हमको ब्रज को, तो ब्रज भक्ति सबसे श्रेष्ठ साबित तो करा, तो पूरा ग्रंथ पढ़ लिया, ये लास्ट पार्ट रह गया, तो उस पर ब्रज भक्ति को सर्वश्रेष्ठ माना गया इसके अंदर। अगर ये पढ़ने के बाद भी अगर हमारे को देश समझ आती, बुद्धि में नहीं घुसता, तो फिर हम दुर्भाग्यशाली और क्या है। फ्रॉम दशा अश्वमेध तीर्थ टू प्रयाग टू द्वारका, कहाँ से शुरू, दशा अश्वमेध तीर्थ शुरू हुई थी प्रयाग से, तीर्थ टू प्रयाग टू द्वारका, नारद हैड वांडर्ड, नारद सब जगह घूमते रहे, ब्राह्मण से लेके राजा के पास, राजा से लेके इंद्र के पास, इंद्र से लेके ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी से शिव जी का, शिव जी से प्रहलाद के पास, प्रहलाद से जाके हनुमान जी के पास, हनुमान जी से सीधा गए उद्धव जी के पास, उद्धव से आए यहाँ पे द्वारका जी, और द्वारका में जाके ब्रज भक्ति की सर्वश्रेष्ठता साबित हो रही है। बहुत साइंटिफिकली ये ग्रंथ है, बहुत साइंटिफिकली हमें लेके जाता है, क्रम बाय क्रम हमें उठा के लेके जाता है कि सबसे हाईएस्ट भक्ति किसे कहते हैं और क्यों हमको उस पर प्रवेश करना है, ये हमको ये ग्रंथ ही समझा सकता है, और कोई समझा नहीं सकता। एंड ही हैड स्पोकन विद डिवोटीज दी ब्राह्मण एट प्रयाग, और ने भक्तों से चर्चा की थी, ब्राह्मण जो प्रयाग के थे, एंड ऑल दी अदर्स हु बाय द लॉर्ड्स डिवाइन ग्रेस हैड अचीव परफेक्शन, और भगवान की दया से सभी ने पूर्णता प्राप्त की थी। पूर्णता तो सबके अंदर है, प्रहलाद भी पूर्ण है, शिवजी भी पूर्ण है, सबके अंदर, क्योंकि भगवान को प्राप्त किया हुआ। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि डिवोटी में भी अलग अलग लेवल्स होते हैं, कैटेगरीज होती हैं। सबसे श्रेष्ठ भक्ति किसकी मानी जाती है, वो ब्रजवासियों की मानी जाती है। उनका जितना प्रेम, जितना समर्पण होता है, उनका किसी का नहीं। जिन्होंने घर वालों का त्याग कर दिया, जिसको त्याग करना बहुत मुश्किल है, जिन्होंने
पति को, बच्चों को, संसार की आसक्ति जो हमारे लिए असंभव है, काटना छोड़ना, कोई हम वैसे मेरे समय कोई हम लोग सब कोई बैठे कोई कहे तुम छोड़ो, कोई छोड़ सकता है, लेकिन वही जा सकता है जिसके अंदर बहुत प्रेम होएगा भगवान के पास। वेदों की मर्यादा छोड़ दी, रात को भगवान बुलाते 12 बजे तब जाने को तैयार है भगवान की जिस अवस्था में उसी में, ये भी नहीं कि पांव में जो कम से कम कपड़े बुरा पहन ले या काजल लगा ले या रोटी नीचे उतार के आए, किधर अटकना नहीं, अटकना मीन्स मेरी अभी भी संसार में थोड़ी आसक्ति है, अटैचमेंट ये करके आता हूँ, प्रेम है लेकिन पूर्ण नहीं है, यह वो गैप खराब हो तो खुरे मेरे को कृष्ण बुलाए, मैं उसी स्थिति में जाऊँगा तुरंत, मैं एक क्षण भी नहीं रुक सकता हूँ, ये प्रेम की अवस्था होती है। हम रुक जाते हैं 10 मिनट आते हैं, 5 मिनट में आते हैं, 2 मिनट रुक जाओ, रुकना मतलब कि मेरी अभी भी संसार में आसक्ति है तभी मैं रुक रहा हूँ। और ये बात हमको कोई समझाता नहीं, हम रियलाइज नहीं करते हैं कि हम भले अपने को हम भक्त माने, हम भक्त है प्रेमी है, आप ये सारी चीज देखो, क्या आप गोपियों से अपनी तुलना करो, क्या आपके जीवन में त्याग जैसा नहीं, तो फिर आप भक्ति नहीं बने। देखो जो कुछ नहीं करते उसके सामने बहुत बड़े भक्त हो सकते हो, लेकिन अगर हमको हाईएस्ट चीज़ प्रदान करनी है तो हाईएस्ट लेवल के डिवोटी से आपकी तुलना करोगे तब पता चलेगा कि मेरा भजन कुछ नहीं है, फिर इनका चिंतन उनकी महिमा गाने से, क्योंकि प्रेमी भक्तों की महिमा गाने से ही भगवान में प्रेम उत्पन्न होता है। और जैसे कोई भी भक्त प्रहलाद चित्र बहुत अच्छा, ध्रुव चित्र भी अच्छा है, लेकिन उस सबसे श्रेष्ठ है गोपियों का चित्र, उसका गान करने से भगवान जैसे प्रसन्न होते हैं उतना अन्य चित्र से पजते गोपियों के चित्र से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि सबसे प्रिय उनका वही है। तो भगवान को अगर प्रेम करना है, सेटिस्फाई करना है, तृप्त करना है तो हाईएस्ट चित्र गाना चाहिए वह है गोपियों का, लेकिन जो नए लोग हैं उनके लिए बात नहीं हो सकती है। उनका प्रहलाद चित्र दूर सारे पढ़े, कपिल मुनि की कथा सब पढ़े, राज अम्बरीश का चित्र सब पढ़े उनके लिए, लेकिन जो जिनकी भक्ति को सक सालों से साधन करे हरि नाम करे उनके लिए बातें हो रही है। नए लोगों के जो कई साल से भजन करे हरि नाम उनके लिए कि हमें कि अभी आपकी दिशा को मोड़ना है और आगे बढ़ना है। नए भक्त तो भगवद गीता पढ़े, रामचरितमानस पढ़े सुने, वो भी समझ आए तो बहुत बड़ी बात है, को वो भी ग्रंथ समझ में नहीं आते वो भी उनको बहुत कठिन लगता है समझना, और उस वो जो मानस जो ग्रंथ है जो पूरा आपका बेस बनाता है, स्ट्रांग कर देता है, और ऐसा स्ट्रांग करता है कि आप ब्रज भक्ति के अधिकारी आपको बना देगा। अगर वो ग्रंथ सामने आ गया उनके सिद्धांतों को तो आपको ब्रज भक्ति प्राप्ति में मुश्किल नहीं होगी। फीलिंग ग्रेट है नारद दिस किंग ऑफ सेजेस, उन्हें बहुत आनंद लेते हुए नारद जो ऋषियों में सर्व नाउ वांटेड टू हियर ऑफ दिस परफेक्शन डायरेक्टली फ्रॉम लॉर्ड कृष्ण ओन माउथ, अब वो इस पूर्णता के बारे में कृष्ण के मुख से सुनना चाहते थे। डियर मदर लॉर्ड कृष्णा ए दी ऑल अट्रैक्टिव लाइन अमंग जेनस बेनिफेक्टर, यानी जो जितने भी सब शुभ चिंतक हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ कृष्ण ही हैं, जो हम जो उदारता है और जो हमारे शुभ चिंतक हैं और जो सर्व और हाँ और सबको अपने आकर्षण के जैसा सुंदर कोई नहीं, क्योंकि देखो भगवान द्वारका में भी है, भगवान मथुरा में भी है, लेकिन जब ब्रज में वो त्रिभंग रूप धारण करते हैं, बांसी बजाते त्रिभंग तीन जगह टेढ़े होके, वो सुंदरता किधर भी नहीं मिलेगी ब्रज के अलावा, और वो भी जो गोपियों के अनुगत में चलता है राधा रानी के, उसी को दर्शन होते हैं, जो राधा रानी के अनुगत उसको नहीं होंगे, क्योंकि जब भगवान राज से अंतर्दान हो गए थे तो जो गोपियाँ भगवान को ढूंढ रही थी तो उनको चतुर्भुज रूप में दर्शन हुए तो उन्होंने नमो नारायण कह के चले गए, लेकिन जब राधा रानी सामने आती हैं तब भगवान अपने भाव को नहीं रोक पाते हैं, क्योंकि राधे भाव इतने उनके दोनों हाथ लुप्त हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, और वो त्रिभंग रूप उनको लेना पड़ता है। मतलब क्या, जिन्होंने बगैर राधा रानी के दर्शन किए उनको चतुर्भुज रूप में दर्शन हुए, जिन्होंने राधा रानी के अनुगत में दर्शन किए उनके साथ मिलकर उन्हीं को त्रिभंग रूप के दर्शन होते हैं। ये त्रिभंग रूप का दर्शन केवल वृंदावन में भी राधा रानी के अनुगत में चलने से होगा, उसके बगैर आपको उसके नहीं दर्शन होंगे त्रिभंग रूप के। इससे हमारा जो उद्देश्य लक्ष्य है राधा रानी को प्राप्त करना, राधा रानी हमारी स्वामिनी है, जैसे सकते ना भी चलो फॉर एग्जांपल मैं देता बहुत ही एग्जांपल कि घर पे अगर कोई
चल पति घर में होता है, सब कुछ होते हैं, लेकिन घर में किसी को बुलाना होता है कुछ कर, तो अपनी पत्नी को पूछना पड़ता है बुलाओ नहीं बुलाओ, उसकी भाई कि घर पे है नहीं है, आना बुलाने इस वक्त ठीक है नहीं है, उसका पूछ के। तो घर की वास्तव में स्वामी कौन होती है, तो पत्नी होती है। वो ये तो नहीं बसल आ जाइए कर वो कहो, पत्नी पूछेगा भाई घर में वो रोटी पिला सकती खिला सकता है, तो कौन होगी स्वामी वास्तव में, तो स्त्री होती पत्नी होती है, उसके परमिशन बगैर ही सब कुछ होता है। उसी प्रकार कृष्ण भक्त भगवान होते भी तो राधा रानी है, वो ब्रज की स्वामिनी है, राधा रानी की कृपा बगैर कोई भी ब्रज में जा नहीं सकता। ये मन में विचार आना कि मैंने ब्रज में जाना है, ये भी राधा रानी की कृपा पर निर्भर होता है, और राधा रानी जिस पर कृपा करती है वही ब्रज में जाके रह सकता है, सो सकता है और रस का स्वादन कर सकता है, और अगर हमेशा के लिए रहना भी हो वो भी राधा रानी कृपा से ही होएगा, कृष्ण की कृपा से नहीं होगा, राधा रानी कृपा से होगा, क्योंकि ब्रज की स्वामी राधा रानी है। इसीलिए हम लोग और कृष्ण सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं जो अब उनके भक्तों की सेवा करता है, भक्तों में सर्वश्रेष्ठ राधा रानी, जो राधा रानी की सेवा करेगा वो सबसे श्रेष्ठ कृष्ण का प्रिय भक्त होगा। तो सीधी सी बात है, तो हमें तो फिर राधा पक्ष ही होने चाहिए, इससे तो हम बार बार क्यों इतना महत्व देते हैं राधा रानी को और गोपियों को और सबको क्यों हम महत्व देते हैं, इसलिए तो देते हैं, बरसाने जाते हैं, बरसाने में 5 दिन क्यों लगाते हैं, इसी वजह से उधर हम विश्राम करते सोते हैं, राधा रानी के कारण ही तो करते हैं, राधा रानी के दर्शन के लिए। Therefore नारद बेग फ्रॉम हिम द फर्स्ट ब्लेसिंग ही विश टू रिसीव। आप नारद क्या बोल रहे हैं, उनसे भीख मांग रहे हैं कि मुझे आप पहला आशीर्वाद दीजिए। नारद सर, श्री कृष्णचंद्र प्लीज ग्रांट दैट नो वन विल एवर फील यस इनफ ऑफ योर मर्सी। यानी पहला वर तो ये दो कि जितना कोई इंसान भजन करे उसको कभी ना ये लगे कि मेरे को कृपा मिली है, उसको ये लगे कि मैं तो कृपा, क्योंकि क्योंकि जैसे मान लिया कि मैं तो कृपा हो गई पूर्ण, मैं बहुत बड़ा, उसके अंदर अभिमान आएगा, इसलिए अभिमान ना आए। इंसान भजन करते खूब मालक है, 2-2 लाख भी मालक है, 3 लाख भी करेगा, तो लगे कि मेरे जीवन भजन ही नहीं हो रहा, प्रेम ही नहीं हो रहा, मेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है। ये नारद जी ने वर मांगा है और कृष्ण ने दिया है, क्योंकि जीव के अंदर अभिमान ना आए। कृपा सबके ऊपर है, लेकिन जो नाम जप करते हैं वो उसकी अनुभूति करते हैं। भगवान की कृपा सब पे है, लोग भले कहे कि कृपा नहीं है, लेकिन अनुभूति तब होती जब नाम कीर्तन करते हैं। और जोता भी जब गोपियों को भी तो ये लगता है मेरे जीवन में प्रेम का है, अगर प्रेम होता है कृष्ण को छोड़ के क्यों जाते हैं मथुरा, हम उसको खुश नहीं कर सके, प्रेम नहीं दे सके। तभी जिनके लिए कृष्ण रोते हैं वो ये बातें कहते हैं। अच्छा भरत जी का एग्जाम्पल ले लो, भरत जी कहते हैं क्या प्रभु मेरी भी याद करते हैं, मैं उस लायक हूँ प्रभु मेरी याद करते हैं। हनुमान जी कहते हैं राम तो तेले रोते रात दिन, कहते मेरे लिए वो हैरान होते हैं। भरत को ये भाव है, गोपियों के भाव है, तो मतलब कि जो सर्वश्रेष्ठ भक्त होते हैं सबको यही तो लगता है कि मेरे जीवन में भजन ही नहीं प्रेम ही, क्योंकि हमेशा वो दीनता के भाव बने रहेंगे, वो अतृप्त महसूस करता रहेगा, अतृप्ति में वो और भजन करने का प्रयास करेगा और चिंतन करने का प्रयास करेगा, उसको यही लगता है मेरे अंदर बहुत सी कमियाँ हैं अभी भी, और ये कमियां महसूस करना ही श्रेष्ठता का लक्षण है। जिनके अंदर लगता है कि मेरे अंदर कमियां नहीं है, मेरा बहुत बढ़िया अच्छा था, खूब भजन हो गया मैंने कर लिया, समझो उसने कुछ भजन किया ही नहीं, उसको लेश मात्र भी कृपा की अनुभूति नहीं हुई अभी तक, उसके अंदर केवल ये व्यर्थ का अहंकार उत्पन्न हुआ है। समझ आ रही है बात मेरी? कुछ क्वेश्चन ठीक है। तो कहते हैं प्लीज ग्रांट नो वन विल एवर फील हियर इनफ, सबको ये लगे कि मेरे पे कृपा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर अहंकार आने से बच जाएगा। योर डिवोशन सर्विस ऑफ प्योर लव फॉर यू द रिजर्वर ऑफ एक्सेस, तेरा भजन तेरे प्रेम और जो भाव है उसके लिए उसको हमेशा लगे मेरे को कुछ अभी मिला नहीं। तो कई बार हम तो नहीं मिलते हैं बहुत भजन, जो कई लोग कई सालों से भजन कर 2-2, 3-3 लाख करें तो उसको यही अनुभूति है कि मुझे अभी तक कुछ प्राप्त हो नहीं रहा, मेरे को मिल नहीं रहा। ये बहुत बढ़िया चीज़ है जो उसको ये अनुभूति हो रही है, यही उन्नति का लक्ष्य है, इससे वो और प्यार। कई बार उस पर कमियाँ भी दिखाई देंगी आपको,
आप लोग इतने भजन इतने साल के कमी है, ये भगवान की इच्छा से है ताकि उसके अंदर अहंकार की मैं तो सब दोष रहित हो गया। उसके अंदर वैसे बेवकूफी वो हर तो सब गिलानी होती है, मैं कर कर मेरे अंदर कमी है, वो और भक्ति में अग्रसर होगा अपना, क्योंकि वो बेवकूफियाँ होंगी, गलतियाँ भी होंगी। वो गलतियाँ इससे नहीं कि वो करना, वो भगवान की इच्छा होती है, वो सिर्फ गलतियाँ कराते हैं और गलतियाँ किसको गिलानी होती है, मैंने ये क्या कर दिया, गलत काम हो गया, मेरे हाथ से क्यों हो गया, वो और भजन में प्रयास करता है। आप भगवान चाहते हैं जीव यही करता रहे, समझ आ रही बात, यही करता रहे, भगवान यही चाहते जीव करते, समझ आ रही बात सबको। हाँ द सुप्रीम लॉ सेड ओ परसेप्टर ऑफ ऑल क्लेवर स्कॉलर्स व्हाट काइंड ऑफ बेनिडिक्शन इज, तो उन्हें कह चतो तूने क्या वर मांग लिया, कैसा वर मांग दिया, My mercy, my devotional service and excellent love for me all have the nature. कहते मेरे जो मेरा भजन करता है, जिसको मेरे भाव में डूबता है, उसका ऐसा स्वभाव होता ही है, that should be simply obvious, वो होना ऐसा होता ही होता है, स्वाभाविक है, इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता उसको, उसका हमेशा यही महसूस था मैंने भजन कुछ किया नहीं, कमी अंदर है। प्रहलाद को देखो कहते भजन नहीं, ब्रह्मा जी का आपने पढ़ा कहते भजन मेरा कुछ नहीं है, शिव जी कहते मैं कोई भक्ति नहीं हूँ, वो भी यही महसूस करते हैं। उद्धव जी जिसे कृष्ण अपना ही स्वरूप मानते हैं, वो भी कहते हैं मेरे में कोई कृपा नहीं भगवान की, हर मनुष्य यही तो अनुभूति करता है। कहते भक्ति की विशेषता यह है हमेशा अतृप्त रहना, भक्ति में इंसान हमेशा अतृप्त अनसेटिस्फाइड रहता है, वो कभी तृप्त और होएगा भी नहीं, यही भक्ति के वे कभी होने भी देंगे भगवान, क्योंकि अहंकार ना आ जाए उसके अंदर। वो सेज ईच ऑफ द डिवोटी यू सॉ एंड हर्ड अबाउट इन द वॉन्डिंग हेयर एंड देयर, जितने भी ऋषियों को तो मिला, महापुरुषों को मिला, तो घूम रहा था इधर से उधर, फ्रॉम प्रयाग तीर्थ तो द्वारका इज परफेक्ट, और मेरे सारे भक्त में पूर्णता है, प्रयागराज से ब्राह्मण से लेके द्वारका तक सब पूर्ण है। ईच ऑफ देम कैन डिलीवर द इंटर, हर भक्त त्रिलोकी को मुक्त कर सकता है, एंड ईच हैज ट्रूली रिसीव माई मर्सी, और सब पे मेरी कृपा हुई है। देर एग्जिस्ट बिटवीन डैम ओनली डिग्रीज ऑफ परफेक्शन, बाकी सबका स्तर अलग अलग है, भक्त सब है, सब पूर्ण है सार त्रिलोकी को, लेकिन उस प्रेम का स्तर अलग अलग होता है सबका, कोई ऐश्वर्य भाव में है, कोई माधुर्य भाव में, कोई किस भाव में, कुछ भाव में, माधुर्य भाव में कोई सखे भाव में, कोई वात्सल्य भाव में, कोई प्रीतमा के भाव में, कोई सक्या भाव में, कोई परक्या भाव में है, उसमें भी है अलग अलग है। येट नन ऑफ दी डिवोटी इज एवर सेटेड, लेकिन इनमें से कोई भी भक्त तृप्त नहीं है। देयरफॉर आस्क फ्रॉम मी सम अदर मोर सेटिस्फाइंग बेनिडिक्शन, इसलिए कुछ ऐसा वर मुझसे मांग जिससे सब तृप्त होए, जिससे कुछ अच्छा भी लगे, ये क्या कि हमेशा भाव रहता है इंसान रोता रहे, तो कहते हैं कि ठीक है तो स्वाभाविक है मेरी भक्ति में ऐसा होता ही होता है, लेकिन कुछ और वर्मा से परीक्षित सर नारद डांस इन शेयर जॉय, नार नाच लगे आनंद में, एंड लाइक अ मेंडिकेंट आस्किंग आम, जैसे भिखारी भिक्षा मांगता है, ही बेग्ड फ्रॉम कृष्णा टू एक्सलेंट बो, उन्हें कृष्ण से दो बढ़िया वर मांगे। स्पीकिंग टू लॉर्ड क्रिस्टल ऑफ चैरिटेबल पर्सन दिस इज व्हाट नारद सेड, भगवान से बात करते हुए सर्वश्रेष्ठ है जो दानियों में सर्वश्रेष्ठ है नारद क्या कहते हैं, श्री नारद सर ओ लॉर्ड नेवर सेटिस्फाइड विद योर ओन चैरिटी आई हैव नाउ अचीव माय गोल, आप कभी तृप्त नहीं हो, जितना भी भक्त को दे तो आपको लगे मैंने कुछ दिया, इससे प्रभु मोक्ष देके भी कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि मैंने राक्षस से मुक्त भक्त को मोक्ष है तो कौन सी बड़ी बात है, इसलिए मैं भक्त का ऋणी हो जाता हूँ, उसके अधीन हो जाता हूँ, मैं उसका ऋण चुका ही नहीं सकता हूँ, ये हम लोग ये नाम को बेचता, मैंने इतनी माला की तो मुझे ये मिलेगा, इतनी माला करूँगा तो मेरा ये काम होना चाहिए, हम नाम को बेचते हैं हीरे को कांच के भाव में, लेकिन नाम जो बेचता नहीं है, नाम भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए ही होता है, अगर उसको हम प्रेम प्राप्त करने के लिए यूज करें तो भगवान हमारे ऋणी हो जाएंगे, हमारे अधीन हो जाएंगे।
इससे लोगों को भौतिक सुख मिलता है लेकिन प्रेम नहीं मिलता, क्योंकि भौतिक सुख ही चाहते लोग, प्रेम कहाँ चाहते हैं? समझ आई बात? वो प्रेम चाहते भी नहीं, लोग तो भौतिक सुख ही चाहते हैं ना। जो रियली प्रेम चाहेगा उसी को भगवान प्रेम देंगे। नाम को ना बेचो, नाम के बल पे पाप कर्म ना करो, नाम को ना बेचो तभी प्रेम मिलेगा। तुम नाम को रोज बेचते हो, मेरा को ये बेटी की शादी हो जाए, मेरा ये हो जाए, बीमारी दूर हो जाए, मेरा ये दूर हो, मेरा वो, आप रोज बेच रहे हो नाम को, वो काम तो पूरे हो रहे, लेकिन जो प्रेम है वो नहीं मिल रहा। उसका यूज़ करो तुम संसारिक वस्तु के लिए, मेरी इज्जत कम हो गई, मेरा ये हो गया, मेरे को बेचते हो, क्या फ़र्क पड़ता है? काय की इज्जत और काय की बेचती? दुनिया में सब स्वार्थ है, मतलब से आपकी लोग प्रशंसा करेंगे, मतलब न होने पे लोग आपकी निंदा करेंगे, इसलिए कोई प्रशंसा निंदा में फंसो मत चक्रों में, क्योंकि स्वार्थ पूरा तो आप अच्छे लगते हो, स्वार्थ पूरा बुरे लगते हो, तो क्यों उस पर फंस रहे हो? क्या प्रशंसा, क्या मैं इतनी ऊंची पोजीशन, काहे की पोजीशन? पोजीशन भी समय आने पे सब खत्म हो जाती है, कंपनियां बंद हो जाती हैं, मृत्यु आ जाती है, सब छूट जाता है, कुछ नहीं रहता। इससे किस बात का भी मान, कौन सी पोजीशन का भी मान, मैं जी चेयरमैन हूँ, मैं बहुत बड़ा प्रेसिडेंट हूँ, मैं ये कुछ नहीं करूँ, सब बेकार की चीज़ें हैं। ये चीज़ पकड़ो, मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, रात दिन उसकी सेवा करनी, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना है। बस यही चीज़ दिमाग में घुसा कर, क्योंकि मैं जीवात्मा, जीव ईश्वर का अंश है, तो ईश्वर के सेवा के अलावा उसका दूसरा कोई काम नहीं है। और देखिए, हम रोड बेचते हैं नाम को, फिर कहते हैं जी इतने साल करके प्रेम में क्यों मिलेगा प्रेम, क्योंकि तुम बेच रहे हो रोड उसको। तुम्हारा उद्देश्य भजन करने का बेचना, तो क्या कर सकते? जो भगवान देते हैं, जिस स्थिति में रखते हैं, उन्हें पता है क्या स्थिति में रखना, क्या परिस्थिति में रखना, उसको एक्सेप्ट करो एज इट इज। वो आपका बुरा कभी होने देंगे, आप उस पर निर्भर, कभी बुरा होने नहीं देंगे आपका। बच्चे को बोलना पड़ता है पिता को, मुझे पैंट चाहिए, शर्ट चाहिए, या पेंसिल चाहिए, कॉपी चाहिए, पिता को पता है क्लास पे गैस को चाहिए, कपड़े छोटे उसको नहीं ला के देने, तो भगवान अपने आप देंगे ना, वो देते हैं ना। आप सिर्फ प्रेम करिए, बस भगवान से यही काम है, सिर्फ प्रेम करो, उसका चिंतन स्मरण करो, बाकी जो आवश्यक स्थिति में वो रखना चाहे उस स्थिति में रहो। लेकिन मैं मानता हूँ मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। हरि नाम करते, कथा करते करते कुछ समय के बाद, कुछ सालों में स्थिति आ ही जाएगी। अगर आप संग बनाए रखते हो, कथा सुनते हो, जाप सिंसियरली करते हो, और जाप कितना मिनिमम 64, 128, 192 जितना जाप करते हो, देखना हृदय में स्थिति कितनी जल्दी आती हो। जितना जाप ज़्यादा बढ़ेगा, जितना भजन बढ़ेगा, उतनी जल्दी वो स्थिति आपकी हृदय की परिवर्तित होगी। जितनी भूख, जितनी व्याकुलता होगी नाम जप करने की, उतनी शीघ्र वो स्थिति आपके हृदय की जागृत होगी। उससे क्या होगा, आपका स्वभाव बदल जाएगा, दोस्तों के साथ व्यर्थ बातें नहीं करोगे, निंदा चुगली से बच जाओगे, नाम जप करोगे, ये तो नाम पूरा नहीं होएगा, गाली देने की निंदा का आदत सारी आदतें छोड़ के नाम जप बढ़ाने से, 8-10 माला करने से तो आदत छोड़ते नहीं है। वो 1 घंटा क्या, वो बहुत पूजा के 1 घंटा क्या, बड़ा एहसान किया होता है जैसे हमने। यह है वैधी भक्ति, वैधी भक्ति से हो सकता है मोक्ष मिल जाए, लेकिन प्रभु की प्राप्ति हो ये गारंटी नहीं, इसकी सेवा मिले। राघुनगर भक्ति में ही प्रभु मिलेंगे, प्रभु की निजी सेवा मिलेगी, प्रभु अधीन होंगे, इससे हमको राघुनगर भक्ति करनी। राघुनगर भक्ति हम प्रभु को एक क्षण भी भूलना नहीं है, आपके प्रीतम को भूलना नहीं, यानी कि सवेरे उठ के भजन करना बाद में खत्म हो गया जी मेरी 16 माला की खत्म हो गया, नहीं, प्रभु को एक क्षण भी हम भूलेंगे नहीं। जैसे समय मिलता माला हाथ में होगी, एक क्षण भी नहीं बोलेंगे। अगर 128 माला तो और टाइम में तो करो, और 10-15 कर लो, और जितना होता करो, 130-140 जितनी होती घर में सो जाना। आप अपने प्यारे को एक क्षण भी नहीं बोलेंगे, नहीं तो आप रीडिंग करो, नहीं तो कथा करो, कुछ ना कुछ करो, यानी भगवान की चर्चा में लगे रहो, सारी इंद्रियों को भगवान में व्यस्त करोगे, तब राघुनगर भक्ति उत्पन्न होगी। वो भक्ति प्रेम उत्पन्न करती है, हमको वैधी भक्ति नहीं राघुनगर भक्ति करनी है। ओ लॉर्ड, नेवर सेटिस्फाई विद ओन चैरिटी, आई हैव नो अचीव माई गोल, यानी आप जब को देने के बाद भी आपको लगता है कि मैंने कुछ नहीं दिया, मैंने अपना उद्देश्य प्राप्त कर लिया, माई लेबर्स हैव बर्न
बोर्न फ्रूट, मैंने जो परिश्रम किया उसका फल मिल गया। फॉर आई नाउ अंडरस्टैंड इन अ प्रैक्टिकली हु द ऑब्जेक्ट्स आफ्टर ग्रेटर मसीहा। आज मैंने प्रैक्टिकली करके देख लिया कि आपके सबसे ज़्यादा कृपा के पात्र कौन है, वो है ब्रजवासी, ब्रज की गोपियाँ, ब्रज का भाव। वो भाव हमको अपने अंदर उत्पन्न करना है और इनके कथाएँ सुन सुन के, इनके चरित्र को सुन के ही वो भाव उत्पन्न होएगा, अन्यथा नहीं हो सकता। अगर क्योंकि जिसके बारे में सुनोगे तभी तो इच्छा होगी वो उस स्थान तक प्राप्त करने की, पहुंचने की। और नाम टिकट का काम करता है, नाम लेके जाएगा। जब आपने सुना ही नहीं तो जो आप जितो आपने सुना उधर नाम यूज़ करेंगे उधर जाने के लिए, तो वो नाम उधर लेके जाएगा। इससे कथा बहुत ज़रूरी है सुननी कि किस स्तर तक हमको उठना है। कई लोग समझे वैकुंठ है, मोक्ष मिलना हाइस्ट है, नहीं वो हाइस्ट नहीं है। भगवान के निज धाम में निजी सेवा मिलना हाइस्ट है, प्रेम भक्ति मिलना हाइस्ट चीज है। दिस इज द ओनली बेनिडिक्शन आई नीड ऑब्टेन एंड फॉर मी इट इज द ग्रेटर मर्सी। यही वर मुझे चाहिए और ये सबसे बड़ी कृपा है कि आपकी कृपा का पात्र सबसे ये हमको समझ में आई है। बसन ओ किंग अमंग डोज हु गिव चैरिटी आई हैव वन लॉन्ग चैरिटी। आप जो दान करते हो राजा लो, मेरी इच्छा है एक। ओ स्वान ग्लाइडिंग इन द लेक्स ऑफ द ब्रजवासी लव, यानी आप हंस हो जो ब्रजवासियों के प्रेम रूपी समुद्र में आप तैरते हो, प्रेम के समुद्र में तैरते हो ब्रजवासियों के। आई विश द आई मे वॉन्डर एवरीवेयर ऑलवेज चैंटिंग ड्रिंकिंग द नेक्टर ऑफ योर नेम। मैं जिधर भी जाऊँ क्या करता रहूँ, सब जगह पे हमेशा जाप करो, आपके नाम का जाप करता रहूँ, आपका नाम नहीं छोड़ता। नाम और कथा हमेशा चलनी चाहिए, या कथा करते रहो या नाम जपते रहो जिधर भी जाओ, क्योंकि भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान के रूप से अभिन्न और भगवान का प्रसाद इस। लेकिन हमको अब हमारे हृदय अनर्थ है, इसलिए हम ये तो कथा है, ये तो नाम है, ये तो प्रसाद है, ये हमें अलग। क्योंकि जब अनर्थ निवृत्ति होगी उसी प्रसाद को जब मुख लगे अब जब भगवान का चुंबन कर रहा हूँ ये महसूस होएगा। फिर ये नहीं बोलेंगे ये पनीर है तो ये दाल है तो ये खाना बोले, फिर हर चीज़ में भगवान का रस मिलता है। क्योंकि उसका जूठन खा रहा हो उसको मरे भी जो आप खाओगे वो जूठन, वो उस सबसे दिव्य रस की अनुभूति होगी। लेकिन ये तब अनुभूति होगी जब आपके हृदय के अनर्थ खत्म होंगे, जब अनर्थ खत्म होंगे तब आपको चीज़ की अनुभूति होगी। और इससे कहते हैं हम प्रसाद खाते नहीं हैं, हम प्रसाद का सेवन करते हैं। हम कथा सुनते नहीं, हम कथा का सेवन करते हैं। कान के कथा हृदय में जाती है, हम नाम जपते नहीं है क्योंकि हमारी भौतिक जीव नाम अप्राकृत, हम नाम का सेवन करते हैं तभी नाम हमारी जीवा पर नृत्य करता है, तब पूरे भाव बदल जाते हैं हमारे। दोज मोस्ट स्वीट नेम अराइज फ्रॉम द ओशन ऑफ गोकुल एंड स्प्रेड द ग्लोरीज ऑफ ए इन्फिनिट वेराइट ड्रेस एंड वेज ऑफ एक्टिंग। तो कहते हैं जो नाम कहाँ से उत्पन्न होते हैं, आपके धाम से, गोकुल से उत्पन्न होते हैं, आपके धाम से, आपकी लीला से उत्पन्न होते हैं नाम, और आपकी महिमा का विस्तार करते हैं, अंत महिमा का विस्तार करते हैं कि आप किस कौन से वस्त्र पहनते हो, कौन से कैसे व्यवहार करते हो, सब नाम पर निर्भर करता है। गोपीनाथ तो गोपी के सहारे पे ना, जैसे एक श्लोक आता है हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते, वो गाते हैं ना ये जो जो रूप गोस्वामी का प्रणाम मंत्र है। जब उन्हें कहा हे कृष्णा, तो कृष्णा ध्यान नहीं दिया, करुणा सिंधु वहां ने ध्यान नहीं दिया, दीन बंधु तभी ध्यान, जगत पते नहीं ध्यान दिया। जब कहा गोपेश तो वहां रुक गए, गोपी का कान मुड़ के देखा किसने कहा, फिर जब कहा राधा कांत तो दौड़े और गले से गले राधा कांत, समझे ना। तो ब्रिज में हो तो उनकी लीला के अनुसार व्यवहार, उनके नाम का कीर्तन करो जो उनकी लीला से जुड़े हुई हैं, वही नाम का। क्योंकि उस पर भी आते हम गोपी का काम में, तो कौन सी गोपी है, चंद्रावली के राधा रानी,
अब दो पक्ष आ जाते हैं, हमको स्पेसिफिक होना पड़ेगा, हमको चंद्रा ज्यादा इनके विरोधी है, चंद्रावली अबू गोपिया नहीं, हालांकि उनको रास्ते अभिन्न है, ज़्यादा कोई फर्क नहीं उनके प्रेम में, लेकिन फिर भी अंतर है, क्योंकि एक होता है दक्षिण भाव, एक होता है वाम भाव। वाम भाव में क्या होता है, तू मेरा है, मेरी बात पाने का अधिकार होता है। दक्षिण भाव में क्या होता है, मैं तेरा जैसे तूने बोला मैंने मान लेना है। राइटेस्ट और लेफ्टेस्ट मूड जिसको बोलते हैं दक्षिण भाव में, मैं तेरा हूँ, तूने ना बोला मैंने मान ली, एज इट इज खत्म है। वाम भाव तू मेरा, तू मेरी बात पानेगा, तू खाएगा, तू पिएगा, तू ये करेगा, वो अधिकार है ये, इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। उस पर अधिकार, उस पर डांट भी दिया जाता है, तू कैसे दूध नहीं पिएगा, तू कमजोर हो जाएगा, तू कैसे ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, जैसे ना यशोदा मैया कहती तो तेरे तू कमजोर, तेरे बाल छोटे हैं, दाऊ जी के देख शरीर कितना तगड़ा है, उसके बाल कितने बड़े हैं, उसके छोटी तेरी छोटी है, क्यों, तो दूध नहीं पीता, तो उसको खिला पिला कैसे भी फुसला कर, इसे कहते हैं वाम भाव, अपनापन। तो हमें कौन सा चाहिए, राधा रानी के अनुगत वाला चाहिए, राधा काम वाला भाव चाहिए। तो गोपियों में भी हमको चुनाव, कौन सी गोपियाँ राधा काम राधा रानी के अनुगत में, बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा हमको भजन में, अगर जैसे जैसे आगे बढ़ते हम। एज आई वंडर बिकमिंग लाइक अ मैडमैन मे आई डिस्प्यूट जॉय टू एवरीवन इन ऑल द वर्ल्ड, तो कहते मैं जो घूम रहा पागलों की तरह, उस मैं आनंद का वितरण करना चाहता हूँ सब जगह पे, उस आनंद का मैं वितरण करूँ, कौन से भगवान की कथा बांटना, यही तो आनंद का वितरण, उसके नाम का वितरण करना, यही तो आनंददायक और क्या है। कमेंट्री, एंड एम्प्रेस स्वान लाइक्स टू विजिट वेरियस लेक, तो कहते जो हंस होता भिन्न भिन्न झीलों में जाना चाहता है, व्हेन ही स्विम्स अबाउट एंड एंजॉय ए लिबर्टी, जहाँ पे वो आनंद का आस्वादन करता है, खुले स्नान करता है, अनइम्पेडेड बाई लेसर बर्ड्स, ताकि कोई दूसरे पक्षी को विघ्न ना डाले वहाँ पे। एंड कृष्णा फाइंड्स अ डिलाइट इन द हार्ट्स ऑफ हिज सरेंडर्ड डिवोटीज, कृष्णा को आनंद मिलता है अपने भक्त जो उनके प्रति शरणागत है। ईच हार्ट अ यूनिक ट्रेजर बिकॉज ऑफ मैनिफोल्ड एक्सटेसी एंड लविंग डेडिकेशन, जो कहते जो हर हृदय जो है वो कैसा है, वो ऐसा खजाना है, उस पर अलग अलग भाव है और भगवान में के प्रति निष्ठा है। नारद वांट्स टू सर्व कृष्णा एज एन एग्जाम्पलरी प्रीचिंग द ग्लोरीज ऑफ हरि नाम अमृत फॉर द यूनिवर्स, तो नारद क्या चाहते हैं, मैं कृष्ण के गुणों का गान करूं, हरि नाम की महिमा गाऊं संसार में, हरि नाम की महिमा, हरि नाम की महिमा गाना वही वास्तव में हरि कथा है। कलयुग खत्म, हरि नाम है, वैदिक मंत्र मोक्ष देते हैं, मोक्ष देके वो रिटायर हो जाते हैं, लेकिन नाम निज धाम में निजी सेवा देता है, नाम प्रेम देता है, मंत्र मोक्ष देते हैं, नाम प्रेम देता है, और प्रेम के अधीन मोक्ष रहता है, और प्रेम में निज धाम में निजी, इसलिए सारे मंत्रों से श्रेष्ठ भगवान का नाम माना गया है, वैदिक मंत्रों से भी श्रेष्ठ नाम है। मंत्रों के लिए आसन स्थान शुद्धता समय की आवश्यकता होती है, लेकिन नाम तो हर अवस्था में लिया जा सकता है, लेट के उठ के बैठते चलते फिरते खाते नहाए बिगैर नहाए, हर अवस्था में, चाहे बाथरूम में भी हो टॉयलेट उधर भी लिया जा सकता है। तो नाम कितना श्रेष्ठ है, कितनी शक्ति है, हाईएस्ट चीज हर जगह ले सकते हो। तो उस मूर्ख है जो उस नाम को छोड़ के इधर उधर भटकते, नाम नहीं जपते, महामूर्ख माने जाते हैं। तो नाम का वितरण, नाम की कथा ही वास्तव में हरी कथा है, जो कथा जिस पर नाम जप ना कराया जाए, नाम की महिमा ना गाई जाए, वो कथा कथा ही नहीं है, जैसे नाम की महिमा ना गाई जाए। ये कथा सुनने का फल क्या, नाम में रुचि, और बहुत बढ़िया कथा की, तो फर्क क्या पड़ा आपको, होमवर्क क्या, अगर नाम जप करने की प्रेरणा नहीं मिली तो कथा बेकार है, नाम जप करने की प्रेरणा मिली चाहिए कथा से, आपकी कमियां बुद्धि पे प्रहार होना चाहिए, प्रशंसा नहीं, वो चेटी है जो प्रशंसा करते, बुद्धि पे प्रहार करे, नाम की महिमा उजागर करा, नाम जपने की, उससे हृदय परिवर्तित है, कि सुनने के बोला वो दिल करता नाम जपने को, और जप करूँगा, नाम बढ़ाऊँगा, भाव मिल गए कि भगवान के प्रेम करना चाहिए, बेचना नहीं चाहिए नाम को, ये जब भाव उत्पन्न होते हैं नाम, तब उसका कथा करना सार्थक है। बट चैंटिंग कृष्णा नेम नारद विल एंजॉय द हाईएस्ट प्लेजर एंड ऑल्सो शेयर दैट प्लेजर विद एवरीवन एल्स, क्योंकि नाम जप करने से सर्वश्रेष्ठ सुख मिलेगा, और उससे क्या होगा, उस सुख को सबसे वितरण करेगा, क्योंकि नाम के अंदर रूप है,
जैसे नाम लूंगा जिसका वो रूप ले आएगा सामने, किसी का आपके समझो आधा किलोमीटर दूर कोई आपका दोस्त रहता है, मैं वर्णन करूँ आपके दोस्त का आप समझा नहीं पाओगे, उसका नाम मैं लेता तो रूप सामने आता है। रूप भगवान तो रूप लेके आएंगे, रूप लेके आएंगे तो लीला भी करेंगे, तो नाम के अंदर रूप है लीला है, और जहाँ पे लीला होती है वो संग धाम बन जाता है। तो नाम के अंदर रूप भी है, लीला भी है, धाम भी है। तो नाम जब कैसे तीनों के दर्शन हो गए ना, रूप के भी दर्शन हो गए, लीला के भी दर्शन हो गए, धाम के भी दर्शन हो गए। तो इससे रात दिन नाम जप करो, नाम में सब कुछ मिल जाएगा। समझ में ना, द ब्लिस ऑफ हरि नाम विल इंस्पायर सच जॉय इन नारद एंड इज फॉलो इन डिसेप्टिव सक्सेशन दैट विल बिकम इंटॉक्सिकेटेड मैडमैन, यानी वो पागल हो जाएंगे, वो ऐसा आनंद मिलेगा पागल होगा। लोग पागल थे जो नाम बोलो छोड़ने को नहीं छोड़ सकते, अब इनको पूछो ये 2 लाख करते हैं, नाम बोलो कम करे नहीं होगा पागल हो जाएगी नहीं कर सकते कम, इसको पूछो कम करे नहीं कर सकते, इनको बोलो कम करे वो बैठे बातें नहीं कर सकते कम, पागल हो जाएंगे ये लोग। तो यही तो पागलपन चाहिए उनको, लाफिंग क्राइंग डांसिंग सिंगिंग एंड वॉन्डरिंग समटाइम शोइंग ऑल एक्सेस सिम्टम्स, कभी हंसते रोते कभी भिन्न भिन्न लीला की अनुभूति होती है। डज डिवोटी विल नेवर फॉरगेट द बॉडीली नीड्स एंड डज द बॉडी विल फॉरगेट द बॉडी नीड्स एंड वर्ल्डली ड्यूटी। फिर वो कहते हैं जब इस प्रकार प्रेम मग्न होते हैं भूल जाते हैं, और मैं ना बाद में ना लूँ कोई बातें, नाम जब करता रहूँ बाद में ना। माधेन्द्रपुरी हफ्ते में एक बार नहाते थे, क्यों, कौन टाइम वेस्ट करेगा नहाने में, नाम जब छूट जाएगा बोलो। उनके शरीर से सुगंध आती थी, दुर्गंध नहीं, हम लोग करेंगे दुर्गंध आएगी, क्योंकि इतना नाम निष्ठ है, वो नाम निष्ठ है, उनके शरीर से सुगंध आती थी। और नहाने कहा था चल एक दो लोटा पानी डाला, उसके आगे नहीं, बस 2 लोटा पानी डाला, बस उतना ही था, क्योंकि कौन टाइम वेस्ट करेगा नहाने में, हमारा हरिनाम छूट जाएगा, ये भाव हमारे होने चाहिए। रघुनाथ दास गोस्वामी 1.5 घंटा सोते थे सिर्फ, 22.5 घंटे हरिनाम का, रोटी नहीं खाते मट्ठा पिए, तो कौन टाइम वेस्ट करेगा रोटी खाने में, नाम जब छूट जाएगा, रोटी खाऊंगा तो नींद आएगी। तो लोग जो रात को फलाल करते हैं बहुत कम खाते हैं, वो देखो वो नींद भी कम होती है, वो शरीर जल्दी भी उठ पाते हैं, ओवर ईटिंग करने की वजह से नींद ज़्यादा आती है और आदमी उठ भी नहीं पाता, और देखो अपने आप उसका सब कुछ कम हो जाता है। वो 1.5 मट्ठा पीते हैं सब मट्ठा बस, और 1.5 घंटे भी सोना और मट्ठा पीना जो करना करना, 22.5 घंटे हरिनाम करते थे। इसलिए वो विलाप को समाज ऐसे बड़े बड़े ग्रंथ का रचना कर सके, जिसमें वो अपना विरह और विलाप करते हैं कि मुझे वो राधा रानी की सेवा मिले। कब वो दिन सौभाग्य आएगा जब मैं राधा रानी की सेवा करूंगा, उनकी कृपा से मैं कृष्ण की सहायता कर सकता। मैं वो लीला को विस्तार पर जा रहा हूँ, वो ग्रंथ अलग ग्रंथ है। तो ये होता है भजन, ऐसे भजन किया जाता है, यानी कि और जी 20 बार के आसान किया और अभिमान, हम तो जी रोज 35 वाला करते 40 उसका भी मान लेके घूमना। इधर तो लोग हमारे शेख गुरुवर्ग हैं, आज भी दिन में 5 लाख हरिनाम करते हैं, नहीं 64 को 5 बार करो इतना हरिनाम आज भी करते हैं। उनके 94 है, चीन के ढानी में रहते हैं वो अनिरुद्ध प्रभु, 5 लाख। हमारे निष्किंचन महाराज से 2-3 साल पहले शेर छोड़ा, वो भी दिन में 4 से 5 लाख हरिनाम करते थे डेली। हमारे मटके महाराज थे चंडीगढ़ मटके इंचार्ज, 4 से 5 लाख हरिनाम करते थे। आज भी भक्त हैं, ये नहीं कि नहीं करते हैं, हमारे सामने तब होंगे जब भगवान की कृपा, जब हम सिंसियर होंगे तो ऐसे संत से मुलाकात होती है। तो कहते जो नाम उन्हें गोकुल में प्राप्त है वो इतने मीठे अन्य नामों के मुकाबले, विष्णु नारायण नरसिम्हा रामचंद्र मथुरा नाथ यादवेंद्र, ये सारे जो नाम हैं ये सारे तो ये तो ब्रज के नाम नहीं है, और इनमें वो मिठास नहीं है जो ब्रज के नामों में मिठास है। द नेम ऑफ कृष्णा इन गोकुल वृंदावन डिस्क्राइब क्वालिटीज ऑफ हिज दैट कैन नॉट बी फाउंड इन एनी वेयर इन एनी अदर अबोर्ड, तो वहाँ पे जो गुण है वो किधर भी आपको मिलेंगे नहीं। ए ओनली ब्रज भूमि दस कृष्णा प्लेस अ पीकॉक फैदर, तो केवल ब्रज में ही कृष्ण मोर पंख धारण करते अपने बालों में, गुंजा ऑर्नामेंट्स यानी गुंजों की माला पहनते हैं कानों में, एंड कदम के फूल धारण करते हैं आपके कंठ में। ओनली इवर डज ही परफॉर्म पास्ट एंड ड्रिंकिंग
द लाइफ एयर ऑफ पूतना, केवल पूतना का स्तन पान करके प्राणों का हरण कर सकते हैं। एंड बेकिंग द कार्ड इन विच द डेमन शक्त वास हाइडिंग, तो शक्तासुर जो आया था रथ के ऊपर वो छकड़े पे बैठा था, उसका नाश कर सकते हैं और उसका वध कर सकते हैं। ओनली देयर ही देयर इज ही कॉल्ड बाई सच श्री नेम एज नंद नंदन यशोदा वत्सल गोपिका मनोहर एंड ब्रज ब्रज जनानंद। तो ये सारे जो है ब्रज से जुड़े हमें इन्हीं नामों का हमें कीर्तन करना चाहिए। मैं विश्राम करता, समय हो गया है। वांछा कल्पत्रु भयच कृपा सिंधु भयच पतितानं पावने भयो वैष्णव भयो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।